नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भाग मिल्का भाग मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए धमाकेदार रूबी दिया है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है 11 जुलाई 2013 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी भाग मिलका भाग इस मूवी को डायरेक्ट किया राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया है और दोस्तों 88 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ आपने सही सुना एट्टी एट परसेंट इस गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ़्रेश बताया गया है और सेवनटी फाइव परसेंट प्रोटोन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को सेवेंटी फाइव परसेंट रो, प्रोटोन टोमेटोलॉज की तरफ से फ्रेश बताया गया है बात करें इस मूवी का आई रेटिंग की तो दस में से एट पॉइंट टू की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ आपने सही सुना दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो फरहान अख्तर जपतेज सिंह सोनम कपूर योगराज सिंह दिव्या दत्ता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं दोस्तों इस मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आपने सही सुना तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो भाग मिल्खा भाग धावक मिल्खा सिंह के जीवन पर बनी फिल्म 2013 की बॉलीवुड हिंदी फिल्म है जि, जिसका निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने किया है अप्रैल 2014 में इकसठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन फिल्म का पुरस्कार मिला है इसके अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के साथ भी इस मूवी को पुरस्कार किया गया है मिल्का सिंह फरहान अख्तर का बचपन दर्द और वेदान से भरा रहा वर्ष उन्नीस सौ में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान मिल्का सिंह के माता पिता की हत्या हो जाती है मिल्का अपनी विवाहित भाई दिव्या दत्ता के साथ रहने लगते हैं लेकिन छोटे से मिल्का से ये नहीं देखा जाता कि उसकी बहन का प्रति उसे प्रतीड़ित करना है एक दिन ऐसा आता है जब मिल्का को अपना उसका जीजा घर से बाहर निकाल देता है मिल्का बड़े होकर होने के बाद भारतीय सेवा में भर्ती हो जाते हैं जल्दी वह सेना में एक धावक के रूप में मशहूर भी हो जाते हैं लक्ष्य को पाने के लिए मिलकर रात दिन एक कर देता और इस प्रकार फिल्म मिलका सिंह का आधार आधार मानते हुए आगे बढ़ती है फिल्म भाग मिलका भाग के इस फिल्म समीक्षा के अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं बीबीसी हिंदी का फिल्म समीक्षा कोमल हटक ने फिल्म को पाँच में से फोर स्टार दिए हुए दिया है फिल्म की कहानी के लिए लेखक प्रसुन जोशी ने बहुत अच्छा किया है फिल्म तीन घंटे में मिल्खा सिंह के पूरे जीवन को बेखूबी बड़े दर्द पर उतरती है फिल्म की कहानी लिखने के साथ साथ पटकथा की प्रसन्न ने लिखी है फिल्म में दर्द ड्रामा हास्य खुशी गम हार जीत और प्यार सभी तरह के भाव है लेकिन फिल्म में कई बार दर्शकों को यह महसूस हो सकता है कि मिल्खा का दर्द जरूरत से ज़्यादा दिखाया जा रहा है तो पर पर प्रशांत सिसोदिया ने फिल्म को थ्री पॉइंट फाइव स्टार की रीडिंग देने हुए लिखा है कहां कहीं कहीं यह जरूर लिखा कि कुछ सीन खत्म हो क्यों नहीं हो रहे लेकिन वैसे एक ऐसे सीन्स भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे तो इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों आपने सही सुना इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है तो इस प्रकार भी इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को इस प्रकार भी आप इन्जॉय कर कर सकते हो यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह तीन घंटे के करीब इस मूवी की टाइम लेंथ है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी की टाइम लेंथ तीन घंटे के करीब है तो यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हॉट स्टार के बाद यह मूवी आपको टे, टेलीविज़न के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है तो आप इस मूवी को टेलीग्राम के चैनल पर भी एन्जॉय कर सकते हैं तो मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भाग मिल्का भाग मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए धमाकेदार रूप भी दिया है तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है 11 जुलाई 2013 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी भाग मिलका भाग इस मूवी को डायरेक्ट किया राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया है और दोस्तों 88 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ आपने सही सुना एट्टी एट परसेंट इस गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ़्रेश बताया गया है और सेवेंटी फाइव परसेंट प्रोटोन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को सेवेंटी फाइव परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है बात करें इस मूवी का आई रेटिंग की तो दस में से एट पॉइंट टू की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ आपने सही सुना दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो फरहान अख्तर जपतेज सिंह सोनम कपूर योगराज सिंह दिव्या दत्ता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं दोस्तों इस मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आपने सही सुना तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो भाग मिल्खा भाग धावक मिल्खा सिंह के जीवन पर बनी फिल्म 2013 की बॉलीवुड हिंदी फिल्म है जि, जिसका निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने किया है अप्रैल 2014 में इकसठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इस फिल्म को सर्वेष्ठ मनोरंजन फिल्म का पुरस्कार मिला है इसके अतिरिक्त सर्वेष्ठ कोरियोग्राफी के साथ भी इस मूवी को पुरस्कार किया गया है मिलका सिंह फरहान अख्तर का बचपन दर्द और वेदान से भरा रहा वर्ष उन्नीस सौ में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान मिलका सिंह के माता पिता की हत्या हो जाती है मिलका अपनी विवाहित भाई दिव्या दत्ता के साथ रहने लगते हैं लेकिन छोटे से मिलका से ये नहीं देखा जाता कि उसकी बहन का प्रति उसे प्रतीड़ित करना है एक दिन ऐसा आता है जब मिल्का को अपने उसका जीजा घर से बाहर निकाल देता है मिल्का बड़े होकर होने के बाद भारतीय सेवा में भर्ती हो जाते हैं जल्दी वह सेना में एक धावक के रूप में मशहूर भी हो जाते हैं लक्ष्य को पाने के लिए मिलकर रात दिन एक कर देता और इस प्रकार फिल्म मिल्का सिंह का आधार आधार मानते हुए आगे बढ़ती है फिल्म भाग मिल्का भाग के फिल्म समीक्षा के अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं बीबीसी हिंदी का फिल्म समीक्षा कोमल हटर ने फिल्म को पाँच में से फोर स्टार दिए हुए दिया है फिल्म की कहानी के लिए लेखक प्रसुन जोशी ने बहुत अच्छा किया है फिल्म तीन घंटे में मिल्खा सिंह के पूरे जीवन को बेखूबी बड़े दर्द पर उतरती है फिल्म की कहानी लिखने के साथ साथ पटकथा की प्रसन्न ने लिखी है फिल्म में दर्द ड्रामा हास्य खुशी गम हार जीत और प्यार सभी तरह के भाव है लेकिन फिल्म में कई बार दर्शकों को यह महसूस हो सकता है कि मिल्खा का दर्द जरूरत से ज़्यादा दिखाया जा रहा है तो पर पर प्रशांत सिसोदिया ने फिल्म को थ्री पॉइंट फाइव स्टार की रेडिंग देने हुए लिखा है कहाँ कहा, कहीं हाँ, कहीं हाँ, यह जरूर लिखा कि कुछ सीन खत्म हो क्यों नहीं हो रहे लेकिन वैसे एक ऐसे सीन्स भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे तो इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों आपने सही सुना इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं यह है मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है तो इस प्रकार भी इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को इस प्रकार भी आप एंजॉय कर कर सकते हो यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह तीन घंटे के करीब इस मूवी की टाइम लेंथ है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी की टाइम लेंथ तीन घंटे के करीब है तो यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एन्जॉय करना ही चाहिए हॉट स्टार के बाद यह मूवी आपको टे, टेलीविज़न के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है तो आप इस मूवी को टेलीग्राम के चैनल पर भी एन्जॉय कर सकते हैं तो मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भाग मिलकर भाग मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए धमाकेदार रूप भी दिया है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ग्यारह जुलाई दो को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी भाग मिलका भाग इस मूवी को डायरेक्ट किया राकेश सोम प्रकाश मेहरा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया है और दोस्तों 88 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ आपने सही सुना एट्टी एट परसेंट इस गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और सेवेंटी फाइव परसेंट प्रोटोन टोमेटोलॉज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को सेवेंटी फ़ाइव परसेंट रो रोटोन की तरफ से फ्रेश बताया गया है बात करें इस मूवी के आईएमडीबी एम रीडिंग की तो दस में से एट पॉइंट टू की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ आपने सही सुना दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो फरहान अख्तर जपतेज सिंह सोनम कपूर योगराज सिंह दिव्या दत्ता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं दोस्तों इस मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आपने सही सुना तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो भाग मिलका भाग धावक मिलका सिंह के जीवन पर बनी फिल्म 2013 की बॉलीवुड हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने किया है अप्रैल 2014 में इकसठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इस फिल्म को सर्वेष्ठ मनोरंजन फिल्म का पुरस्कार मिला है इसके अतिरिक्त सर्वेष्ठ कोरियोग्राफी के साथ भी इस मूवी को पुरस्कार किया गया है मिलका सिंह फरहान अख्तर का बचपन दर्द और वेदान से भरा रहा वर्ष उन्नीस सौ में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान मिलका सिंह के माता पिता की हत्या हो जाती है मिलका अपनी विवाहित भाई दिव्या दत्ता के साथ रहने लगते हैं लेकिन छोटे से मिलका से ये नहीं देखा जाता कि उसकी बहन का प्रति उसे प्रतीड़ित करना है एक दिन ऐसा आता है जब मिल्का को अपना उसका जीजा घर से बाहर निकाल देता है मिल्का बड़े होकर होने के बाद भारतीय सेवा में भर्ती हो जाते हैं जल्दी वह सेना में एक धावक के रूप में मशहूर भी हो जाते हैं लक्ष्य को पाने के लिए मिलकर रात दिन एक कर देता और इस प्रकार फिल्म मिल्का सिंह का आधार आधार मानते हुए आगे बढ़ती है फिल्म भाग मिल्का भाग के इस फिल्म समीक्षाओं के अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं बीबीसी हिंदी का फिल्म समीक्षा कोमल हटर ने फिल्म को पाँच में से फोर स्टार दिए हुए दिया है फिल्म की कहानी के लिए लेखक परसून जोशी ने बहुत अच्छा किया है फिल्म तीन घंटे में मिल्खा सिंह के पूरे जीवन को बेखूबी बड़े दर्द पर उतरती है फिल्म की कहानी लिखने के साथ साथ पटकथा की प्रसन्न ने लिखी है फिल्म में दर्द ड्रामा हास्या खुशी गम हार जीत और प्यार सभी तरह के भाव है लेकिन फिल्म में कई बार दर्शकों को यह महसूस हो सकता है कि मिल्खा का दर्द जरूरत से ज़्यादा दिखाया जा रहा है तो पर पर प्रशांत सिसोदिया ने फिल्म को थ्री पॉइंट फाइव स्टार की रेडिंग देने हुए लिखा है कहाँ कहीं कहीं यह जरूर लिखा कि कुछ सीन खत्म हो क्यों नहीं हो रहे लेकिन वैसे एक ऐसे सीन्स भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे तो इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों आपने सही सुना इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं यह है मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है तो इस प्रकार भी इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को इस प्रकार भी आप इन्जॉय कर कर सकते हो यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह तीन घंटे के करीब इस मूवी की टाइम लेंथ है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी की टाइम लेंथ तीन घंटे के करीब है तो यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्त मैं आपको बता दू यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो हाँ <laughs> दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हॉट स्टार के बाद यह मूवी आपको टे, टेलीविज़न के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है तो आप इस मूवी को टेलीग्राम के चैनल पर भी एन्जॉय कर सकते हैं तो मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले भाग मिलकर भाग मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए धमाकेदार रूप भी दिया है तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ग्यारह जुलाई दो को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी भाग मिलका भाग इस मूवी को डायरेक्ट किया राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया है और दोस्तों 88 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ आपने सही सुना 88 परसेंट इस गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और 75 फाइव परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 75 फाइव परसेंट रोटोन टोमेटोलॉज की तरफ से फ्रेश बताया गया है बात करें इस मूवी का आई एम रीडिंग की तो दस में से एट की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ आपने सही सुना दोस्तों बात करें इस मूवी के, के मुख्य किरदारों की तो फरहान अख्तर जपतेज सिंह सोनम कपूर योगराज सिंह दिव्या दत्ता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं दोस्तों इस मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आपने सही सुना तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो भाग मिलका भाग धावक मिलका सिंह के जीवन पर बनी फिल्म 2013 की बॉलीवुड हिंदी फिल्म है जि, जिसका निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने किया है अप्रैल 2014 में इकसठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इस फिल्म को सर्वेष्ठ मनोरंजन फिल्म का पुरस्कार मिला है इसके अतिरिक्त सर्वेष्ठ कोरियोग्राफी के साथ भी इस मूवी को पुरस्कार किया गया है मिलका सिंह फरहान अख्तर का बचपन दर्द और वेदान से भरा रहा वर्ष उन्नीस में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान मिलका सिंह के माता पिता की हत्या हो जाती है मिलका अपनी विवाहित भाई दिव्या दत्ता के साथ रहने लगते हैं लेकिन छोटे से मिलका से ये नहीं देखा जाता कि उसकी बहन का प्रति उसे प्रतीड़ित करना है एक दिन ऐसा आता है जब मिल्का को अपना उसका जीजा घर से बाहर निकाल देता है मिल्का बड़े होकर होने के बाद भारतीय सेवा में भर्ती हो जाते हैं जल्दी वह सेना में एक धावक के रूप में मशहूर भी हो जाते हैं लक्ष्य को पाने के लिए मिलकर रात दिन एक कर देता और इस प्रकार फिल्म मिल्का सिंह का आधार आधार मानते हुए आगे बढ़ती है फिल्म भाग मिल्का भाग के इस फिल्म समीक्षाओं के अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं बीबीसी हिंदी का फिल्म समीक्षा कोमल हटर ने फिल्म को पाँच में से फोर स्टार दिए हुए दिया है फिल्म की कहानी के लिए लेखक प्रसुन जोशी ने बहुत अच्छा किया है फिल्म तीन घंटे में मिल्खा सिंह के पूरे जीवन को बेखूबी बड़े दर्द पर उतरती है फिल्म की कहानी लिखने के साथ साथ पटकथा की प्रसुन्न ने लिखी है फिल्म में दर्द ड्रामा हास्य, खुशी गम हार जीत और प्यार सभी तरह के भाव है लेकिन फिल्म में कई बार दर्शकों को यह महसूस हो सकता है कि मिल्खा का दर्द जरूरत से ज़्यादा दिखाया जा रहा है तो पर पर प्रशांत सिसोदिया ने फिल्म को थ्री पॉइंट फाइव स्टार की रेडिंग देने हुए लिखा है कहा कहीं कहीं यह जरूर लिखा कि कुछ सीन खत्म हो क्यों नहीं हो रहे हैं लेकिन वैसे एक ऐसे सीन्स भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे तो इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों आपने सही सुना इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं यह है मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है तो इस प्रकार भी इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को इस प्रकार भी आप एंजॉय कर कर सकते हो यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह तीन घंटे के करीब इस मूवी की टाइम लेंथ है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी की टाइम लेंथ तीन घंटे के करीब है तो यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्त मैं आपको बता दूँ है मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हॉट स्टार के बाद यह मूवी आपको टे टेलीविज़न के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है तो आप इस मूवी को टेलीग्राम के चैनल पर भी एन्जॉय कर सकते हैं तो मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले भाग मिलकर भाग मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए धमाकेदार रूप भी दिया है तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ग्यारह जुलाई दो को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी भाग मिलका भाग इस मूवी को डायरेक्ट किया राकेश सोम प्रकाश मेहरा ने दोस्तों दोस्तों था था। हाँ, हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया है और दोस्तों 88 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ आपने सही सुना 88 परसेंट इस गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और 75 फाइव परसेंट प्रोटोन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 75% फाइव रोटो रोटोटमेटोलोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है बात करें इस मूवी का आई एम डी बी रीडिंग की तो दस में से एट पॉइंट टू की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ आपने सही सुना दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो फरहान अख्तर जगतेज सिंह सोनम कपूर योगराज सिंह दिव्या दत्ता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं दोस्तों इस मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आपने सही सुना तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो भाग मिल्का भाग धावक मिल्खा सिंह के जीवन पर बनी फिल्म 2013 की बॉलीवुड हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने किया है अप्रैल 2014 में इकसठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इस फिल्म को सर्वेष्ठ मनोरंजन फिल्म का पुरस्कार मिला है इसके अतिरिक्त सर्वेष्ठ कोरियोग्राफी के साथ भी इस मुझे को पुरस्कार किया गया है मिल्का सिंह फरहान अख्तर का बचपन दर्द और वेदांत से भरा रहा वर्ष उन्नीस में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान मिल्का सिंह के माता पिता की हत्या हो जाती है मिल्का अपनी विवाहित भाई दिव्या दत्ता के साथ रहने लगते हैं लेकिन छोटे से मिल्का से ये नहीं देखा जाता कि उसकी बहन का प्रत्ये उसे प्रतीड़ित करना है एक दिन ऐसा आता है जब मिल्का को अपना उसका जीजा घर से बाहर निकाल देता है मिल्का बड़े होकर होने के बाद भारतीय सेवा में भर्ती हो जाते हैं जल्दी वह सेना में एक धावक के रूप में मशहूर भी हो जाते हैं लक्ष्य को पाने के लिए मिलकर रात दिन एक कर देता और इस प्रकार फिल्म मिलका सिंह का आधार आधार मानते हुए आगे बढ़ती है फिल्म भाग मिलका भाग के इस फिल्म समीक्षा के अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं बीबीसी हिंदी का फिल्म समीक्षा कोमल हटर ने फिल्म को पाँच में से फोर स्टार दिए हुए दिया है फिल्म की कहानी के लिए लेखक प्रसुन जोशी ने बहुत अच्छा किया है फिल्म तीन घंटे में मिल्खा सिंह के पूरे जीवन को बेखूबी बड़े दर्द पर उतरती है फिल्म की कहानी लिखने के साथ साथ पटकथा की प्रसुन्न ने लिखी है फिल्म में दर्द ड्रामा हास्य, खुशी गम हार जीत और प्यार सभी तरह के भाव है लेकिन फिल्म में कई बार दर्शकों को यह महसूस हो सकता है कि मिल्खा का दर्द जरूरत से ज़्यादा दिखाया जा रहा है तो पर, पर प्रशांत सिसोदिया ने फिल्म को थ्री पॉइंट फाइव स्टार की रेडिंग लिखा है कहा कहीं कहीं यह जरूर लिखा कि कुछ सीन खत्म हो क्यों नहीं हो रहे हैं लेकिन ऐसे सीन्स भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे तो इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों आपने सही सुना इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं यह है मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है तो इस प्रकार भी इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को इस प्रकार भी आप एंजॉय कर कर सकते हो यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह तीन घंटे के करीब इस मूवी की टाइम लेंथ है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी की टाइम लेंथ तीन घंटे के करीब है तो यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह, यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हॉट स्टार के बाद यह मूवी आपको टे टेलीविज़न के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है तो आप इस मूवी को टेलीग्राम के चैनल पर भी एन्जॉय कर सकते हैं तो मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले भाग मिल्का भाग मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए धमाकेदार रूप भी दिया है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ग्यारह जुलाई दो को रिलीज़ हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी भाग मिलका भाग इस मूवी को डायरेक्ट किया राकेश सोम प्रकाश मेहरा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया है और दोस्तों 88 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ आपने सही सुना 88 परसेंट इस गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और 75 फाइव परसेंट प्रोटोन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 75% फाइव रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है बात करें इस मूवी का आईएमडीबी एम डी की तो 10 में से 8.2 की दमदार रेटिंग मिली हुई है हाँ आपने सही सुना दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो फरहान अख्तर जगतेज सिंह सोनम कपूर योगराज सिंह दिव्या दत्ता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं दोस्तों इस मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आपने सही सुना तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो भाग मिल्का भाग धावक मिल्का सिंह के जीवन पर बनी फिल्म 2013 की बॉलीवुड हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने किया है अप्रैल 2014 में इकसठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इस फिल्म को सर्वेष्ठ मनोरंजन फिल्म का पुरस्कार मिला है इसके अतिरिक्त सर्वेष्ठ कोरियोग्राफी के साथ भी इस पूरी को पुरस्कार किया गया है मिल्का सिंह फरहान अख्तर का बचपन दर्द और वेदान से भरा रहा वर्ष उन्नीस में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान मिल्का सिंह के माता पिता की हत्या हो जाती है मिल्का अपनी विवाहित भाई दिव्या दत्ता के साथ रहने लगते हैं लेकिन छोटे से मिल्का से ये नहीं देखा जाता कि उसकी बहन का प्रति उसे प्रतीड़ित करना है एक दिन ऐसा आता है जब मिल्का को अपना उसका जीजा घर से बाहर निकाल देता है मिल्का बड़े होकर होने के बाद भारतीय सेवा में भर्ती हो जाते हैं जल्दी वह सेना में एक धावक के रूप में मशहूर भी हो जाते हैं लक्ष्य को पाने के लिए मिलकर रात दिन एक कर देता और इस प्रकार फिल्म मिलका सिंह का आधार आधार मानते हुए आगे बढ़ती है फिल्म भाग मिलका भाग के इस फिल्म समीक्षा के अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं बीबीसी हिंदी का फिल्म समीक्षा कोमल हटर ने फिल्म को पाँच में से फोर स्टार दिए हुए दिया है फिल्म की कहानी के लिए लेखक परसुन जोशी ने बहुत अच्छा किया है फिल्म तीन घंटे में मिल्खा सिंह के पूरे जीवन को बेखूबी बड़े दर्द पर उतरती है फिल्म की कहानी लिखने के साथ साथ पटकथा की प्रसन्न ने लिखी है फिल्म में दर्द ड्रामा हास्य, खुशी गम हार जीत और प्यार सभी तरह के भाव है लेकिन फिल्म में कई बार दर्शकों को यह महसूस हो सकता है कि मिल्खा का दर्द जरूरत से ज़्यादा दिखाया जा रहा है तो पर, पर प्रशांत सिसोदिया ने फिल्म को थ्री पॉइंट फाइव स्टार की रीडिंग देने हुए लिखा है कहाँ कहीं कहीं यह जरूर लिखा कि कुछ सीन खत्म हो क्यों नहीं हो रहे लेकिन वैसे एक ऐसे सीन्स भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे तो इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों आपने सही सुना इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं यह है मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है तो इस प्रकार भी इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को इस प्रकार भी आप एंजॉय कर कर सकते हो यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी दो आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह तीन घंटे के करीब इस मूवी की टाइम लेंथ है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी की टाइम लेंथ तीन घंटे के करीब है तो यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्त मैं आपको बता दूँ यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी इन्जॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी इंजॉय कर सकते हो तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हॉट स्टार के बाद यह मूवी आपको टे टेलीविज़न के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है तो आप इस मूवी को टेलीग्राम के चैनल पर भी एन्जॉय कर सकते हैं तो मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भाग मिलकर भाग मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए धमाकेदार रूप भी दिया है तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ग्यारह जुलाई दो को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी भाग मिलका भाग इस मूवी को डायरेक्ट किया राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया है और दोस्तों 88% परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ आपने सही सुना 88% परसेंट इस गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और 75% फाइव परसेंट टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 75 फाइव परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गए हैं बात करें इस मूवी का आईएमडीबी एम डी की तो 10 में से 8.2 की दमदार रेटिंग मिली हुई है हाँ आपने सही सुना दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो फरहान अख्तर जपतेज सिंह सोनम कपूर योगराज सिंह दिव्या दत्ता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं दोस्तों इस मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आपने सही सुना तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो भाग मिल्का भाग धावक मिल्खा सिंह के जीवन पर बनी फिल्म 2013 की बॉलीवुड हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने किया है अप्रैल 2014 में इकसठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इस फिल्म को सर्वेष्ठ मनोरंजन फिल्म का पुरस्कार मिला है इसके अतिरिक्त सर्वेष्ठ कोरियोग्राफी के साथ भी इस मूवी को पुरस्कार किया गया है मिल्का सिंह फरहान अख्तर का बचपन दर्द और वेदान से भरा रहा वर्ष उन्नीस में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान मिल्का सिंह के माता पिता की हत्या हो जाती है मिल्का अपनी विवाहित भाई दिव्या दत्ता के साथ रहने लगते हैं लेकिन छोटे से मिल्का से ये नहीं देखा जाता कि उसकी बहन का प्रत्येक उसे प्रतीड़ित करना है एक दिन ऐसा आता है जब मिल्का को अपने उसका जीजा घर से बाहर निकाल देता है मिल्का बड़े होकर होने के बाद भारतीय सेवा में भर्ती हो जाते हैं जल्दी वह सेना में एक धावक के रूप में मशहूर भी हो जाते हैं लक्ष्य को पाने के लिए मिलकर रात दिन एक कर देता और इस प्रकार फिल्म मिल्का सिंह का आधार आधार मानते हुए आगे बढ़ती है फिल्म भाग मिल्का भाग के फिल्म समीक्षा के अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं बीबीसी हिंदी का फिल्म समीक्षा कोमल हटर ने फिल्म को पाँच में से फोर स्टार दिए हुए दिया है फिल्म की कहानी के लिए लेखक प्रसुन जोशी ने बहुत अच्छा किया है फिल्म तीन घंटे में मिल्खा सिंह के पूरे जीवन को बेखूबी बड़े दर्द पर उतरती है फिल्म की कहानी लिखने के साथ साथ पटकथा की प्रसन्न ने लिखी है फिल्म में दर्द ड्रामा हास्य, खुशी गम हार जीत और प्यार सभी तरह के भाव है लेकिन फिल्म में कई बार दर्शकों को यह महसूस हो सकता है कि मिल्खा का दर्द जरूरत से ज़्यादा दिखाया जा रहा है तो पर पर प्रशांत सिसोदिया ने फिल्म को थ्री पॉइंट फाइव स्टार की रीडिंग देने हुए लिखा है कहाँ कहा, कहीं हाँ, कहीं हाँ, यह जरूर लिखा कि कुछ सीन खत्म हो क्यों नहीं हो रहे हैं लेकिन वैसे एक ऐसे सीन्स भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे तो इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों आपने सही सुना इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं यह है मूवी आपको आए दिन टे hey, टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है तो इस प्रकार भी इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को इस प्रकार भी आप एंजॉय कर कर सकते हो यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह तीन घंटे के करीब इस मूवी की टाइम लेंथ है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी की टाइम लेंथ लें तीन घंटे के करीब है तो यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों में आपको बता दू यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी इंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी इंजॉय कर सकते हो तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हॉट स्टार के बाद यह मूवी आपको टे टेलीविज़न के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है तो आप इस मूवी को टेलीग्राम के चैनल पर भी एन्जॉय कर सकते हैं तो मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले भाग मिलकर भाग मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए धमाकेदार रूप भी दिया है तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ग्यारह जुलाई दो को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी भाग मिलका भाग इस मूवी को डायरेक्ट किया राकेश सोम प्रकाश मेहरा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया है और दोस्तों 88 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ आपने सही सुना 88 एट परसेंट इस गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और 75 फाइव परसेंट ब्रोटोन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 75 फाइव परसेंट ब्रोटोन टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है बात करें इस मूवी के आई एम डी बी की तो दस में से एट पॉइंट टू की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ आपने सही सुना दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो फरहान अख्तर जपतेश सिंह सोनम कपूर योगराज सिंह दिव्या दत्ता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं दोस्तों इस मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आपने सही सुना तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो भाग मिलका भाग धावक मिलका सिंह के जीवन पर बनी फिल्म 2013 की बॉलीवुड हिंदी फिल्म है जि, जिसका निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने किया है अप्रैल 2014 में इकसठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इस फिल्म को सर्वेष्ठ मनोरंजन फिल्म का पुरस्कार मिला है इसके अतिरिक्त सर्वेष्ठ कोरियोग्राफी के साथ भी इस मूवी को पुरस्कार किया गया है मिल्का सिंह फरहान अख्तर का बचपन दर्द और वेदान से भरा रहा वर्ष उन्नीस सौ में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान मिल्का सिंह के माता पिता की हत्या हो जाती है मिल्का अपनी विवाहित भय दिव्या दत्ता के साथ रहने लगते हैं लेकिन छोटे से मिल्का से ये नहीं देखा जाता कि उसकी बहन का प्रति उसे प्रतीड़ित करना है एक दिन ऐसा आता है जब मिल्का को अपने उसका जीजा घर से बाहर निकाल देता है मिल्खा बड़े होकर होने के बाद भारतीय सेवा में भर्ती हो जाते हैं जल्दी वो सेना में एक धावक के रूप में मशहूर भी हो जाते हैं लक्ष्य को पाने के लिए मिलकर रात दिन एक कर देता और इस प्रकार फिल्म मिल्का सिंह का आधार आधार मानते हुए आगे बढ़ती है फिल्म भाग मिल्का भाग के इस फिल्म समीक्षाओं के अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं बीबीसी हिंदी का फिल्म समीक्षा कोमल हटर ने फिल्म को पाँच में से फोर स्टार दिए हुए दिया है फिल्म की कहानी के लिए लेखक परसुन जोशी ने बहुत अच्छा किया है फिल्म तीन घंटे में मिल्खा सिंह के पूरे जीवन को बेखूबी बड़े दर्द पर उतरती है फिल्म की कहानी लिखने के साथ साथ पटकथा की प्रसन्न ने लिखी है फिल्म में दर्द ड्रामा हास्य, खुशी गम हार जीत और प्यार सभी तरह के भाव है लेकिन फिल्म में कई बार दर्शकों को यह महसूस हो सकता है कि मिल्खा का दर्द जरूरत से ज़्यादा दिखाया जा रहा है तो पर पर प्रशांत सिसोदिया ने फिल्म को थ्री पॉइंट फाइव स्टार की रेडिंग देने हुए लिखा है कहाँ कहीं कहीं यह जरूर लिखा कि कुछ सीन खत्म हो क्यों नहीं हो रहे लेकिन वैसे एक ऐसे सीन्स भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे तो इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं दोस्त आपने सही सुना इस प्रकार इस मूवी को आप इंजॉय कर सकते हैं यह है मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है तो इस प्रकार भी इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को इस प्रकार भी आप एंजॉय कर कर सकते हो यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह तीन घंटे के करीब इस मूवी की टाइम लेंथ है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी की टाइम लेंथ तीन घंटे के करीब है तो यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हॉट स्टार के बाद यह मूवी आपको टे, टेलीविज़न के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है तो आप इस मूवी को टेलीग्राम के चैनल पर भी एन्जॉय कर सकते हैं तो मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भाग मिलकर भाग मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए धमाकेदार रूप भी दिया है तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ग्यारह जुलाई दो को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी भाग मिलका भाग इस मूवी को डायरेक्ट किया राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया है और दोस्तों 88 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ आपने सही सुना 88 एट परसेंट इस गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और 75 फाइव परसेंट रोटोन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 75 फाइव परसेंट रोटो रौ, टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है बात करें इस मूवी के आई एम डी रीडिंग की तो दस में से एट पॉइंट टू की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ आपने सही सुना दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो फरहान अख्तर जगतेश सिंह सोनम कपूर योगराज सिंह दिव्या दत्ता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं दोस्तों इस मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आपने सही सुना तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो भाग मिलका भाग धावक मिलका सिंह के जीवन पर बनी फिल्म 2013 की बॉलीवुड हिंदी फिल्म है जि, जिसका निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने किया है अप्रैल 2014 में इकसठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इस फिल्म को सर्वेष्ठ मनोरंजन फिल्म का पुरस्कार मिला है इसके अतिरिक्त सर्वेष्ठ कोरियोग्राफी के साथ भी इस मूवी को पुरस्कार किया गया है मिल्का सिंह फरहान अख्तर का बचपन दर्द और वेदान से भरा रहा वर्ष उन्नीस सौ में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान मिल्का सिंह के माता पिता की हत्या हो जाती है मिल्का अपनी विवाहित भाई दिव्या दत्ता के साथ रहने लगते हैं लेकिन छोटे से मिल्का से ये नहीं देखा जाता कि उसकी बहन का प्रति उसे प्रतीड़ित करना है एक दिन ऐसा आता है जब मिल्का को अपने उसका जीजा घर से बाहर निकाल देता है मिल्खा बड़े होकर होने के बाद भारतीय सेवा में भर्ती हो जाते हैं जल्दी वो सेना में एक धावक के रूप में मशहूर भी हो जाते हैं लक्ष्य को पाने के लिए मिलकर रात दिन एक कर देता और इस प्रकार फिल्म मिल्का सिंह का आधार आधार मानते हुए आगे बढ़ती है फिल्म भाग मिल्का भाग के इस फिल्म समीक्षा के अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं बीबीसी हिंदी का फिल्म समीक्षा कोमल नाहटा ने फिल्म को पाँच में से फोर स्टार दिए हुए दिया है फिल्म की कहानी के लिए लेखक परसुन जोशी ने बहुत अच्छा किया है फिल्म तीन घंटे में मिल्खा सिंह के पूरे जीवन को बेखूबी बड़े दर्द पर उतरती है फिल्म की कहानी लिखने के साथ साथ पटकथा की प्रसन्न ने लिखी है फिल्म में दर्द ड्रामा हास्य, खुशी गम हार जीत और प्यार सभी तरह के भाव है लेकिन फिल्म में कई बार दर्शकों को यह महसूस हो सकता है कि मिल्खा का दर्द जरूरत से ज़्यादा दिखाया जा रहा है तो पर पर प्रशांत सिसोदिया ने फिल्म को थ्री पॉइंट फाइव स्टार की रेडिंग देने हुए लिखा है कहाँ कहीं कहीं यह जरूर लिखा कि कुछ सीन खत्म हो क्यों नहीं हो रहे लेकिन वैसे एक ऐसे सीन्स भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे तो इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों आपने सही सुना इस प्रकार इस मूवी को आप इंजॉय कर सकते हैं यह है मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है तो इस प्रकार भी इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को इस प्रकार भी आप एंजॉय कर कर सकते हो यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह तीन घंटे के करीब इस मूवी की टाइम लेंथ है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी की टाइम लेंथ तीन घंटे के करीब है तो यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों मैं आपको बता दू यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हॉट स्टार के बाद यह मूवी आपको टे, टेलीविज़न के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है तो आप इस मूवी को टेलीग्राम के चैनल पर भी एन्जॉय कर सकते हैं तो मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले भाग मिलकर भाग मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए धमाकेदार रूप भी दिया है तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ग्यारह जुलाई दो को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी भाग मिलका भाग इस मूवी को डायरेक्ट किया राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने हाँ दोस्तों आपने, दोस्तो आपने, आपने सही सुना इस मूवी को राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया है और दोस्तों 88 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ आपने सही सुना 88 परसेंट इस गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और 75 फाइव परसेंट प्रोटोन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 75% फाइव रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताए गए हैं बात करें इस मूवी का आईएमडीबी एम डी की तो 10 में से 8.2 की दमदार रेटिंग मिली हुई है हाँ आपने सही सुना दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो फरहान अख्तर जपतेज सिंह सोनम कपूर योगराज सिंह दिव्या दत्ता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं दोस्तों इस मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आपने सही सुना तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो भाग मिल्का भाग धावक मिल्खा सिंह के जीवन पर बनी फिल्म 2013 की बॉलीवुड हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने किया है अप्रैल 2014 में इकसठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इस फिल्म को सर्वेष्ठ मनोरंजन फिल्म का पुरस्कार मिला है इसके अतिरिक्त सर्वेष्ठ कोरियोग्राफी के साथ भी इस पूरी को पुरस्कार किया गया है मिल्खा सिंह फरहान अख्तर का बचपन दर्द और वेदान से भरा रहा वर्ष उन्नीस में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान मिल्का सिंह के माता पिता की हत्या हो जाती है मिल्का अपनी विवाहित भाई दिव्या दत्ता के साथ रहने लगते हैं लेकिन छोटे से मिल्का से ये नहीं देखा जाता कि उसकी बहन का प्रति उसे प्रतीड़ित करना है एक दिन ऐसा आता है जब मिल्का को अपना उसका जीजा घर से बाहर निकाल देता है मिल्का बड़े होकर होने के बाद भारतीय सेवा में भर्ती हो जाते हैं जल्दी वह सेना में एक धावक के रूप में मशहूर भी हो जाते हैं लक्ष्य को पाने के लिए मिलकर रात दिन एक कर देता और इस प्रकार फिल्म मिल्का सिंह का आधार आधार मानते हुए आगे बढ़ती है फिल्म भाग मिल्का भाग के फिल्म समीक्षा के अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं बीबीसी हिंदी का फिल्म समीक्षा कोमल हटक ने फिल्म को पाँच में से फोर स्टार दिए हुए दिया है फिल्म की कहानी के लिए लेखक परसुन जोशी ने बहुत अच्छा किया है फिल्म तीन घंटे में मिल्खा सिंह के पूरे जीवन को बेखूबी बड़े दर्द पर उतरती है फिल्म की कहानी लिखने के साथ साथ पटकथा की प्रसन्न ने लिखी है फिल्म में दर्द ड्रामा हास्य, खुशी गम हार जीत और प्यार सभी तरह के भाव है लेकिन फिल्म में कई बार दर्शकों को यह महसूस हो सकता है कि मिल्खा का दर्द जरूरत से ज़्यादा दिखाया जा रहा है तो पर पर प्रशांत सिसोदिया ने फिल्म को थ्री पॉइंट फाइव स्टार की रीडिंग देने हुए लिखा है कहां कहीं हाँ, कहीं हाँ, हाँ, यह जरूर लिखा कि कुछ सीन खत्म हो क्यों नहीं हो रहे लेकिन वैसे एक ऐसे सीन्स भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे तो इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों आपने सही सुना इस प्रकार इस मूवी को आप इंजॉय कर सकते हैं यह है, मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है तो इस प्रकार भी इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को इस प्रकार भी आप एंजॉय कर कर सकते हो यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह तीन घंटे के करीब इस मूवी की टाइम लेंथ है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी की टाइम लेंथ तीन घंटे के करीब है तो यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों मैं आपको बता दू यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हॉट स्टार के बाद यह मूवी आपको टे, टेलीविज़न के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है तो आप इस मूवी को टेलीग्राम के चैनल पर भी एन्जॉय कर सकते हैं तो मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले भाग मिलकर भाग मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए धमाकेदार रूप भी दिया है तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ग्यारह जुलाई दो को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी भाग मिलका भाग इस मूवी को डायरेक्ट किया राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया है और दोस्तों 88 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ आपने सही सुना 88 परसेंट इस गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और 75 फाइव परसेंट प्रोटोन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 75% फाइव रोटो टोमेटोलॉज की तरफ से फ्रेश बताया गया है बात करें इस मूवी का आईएमडीबी एम डी की तो दस में से एट पॉइंट टू की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ आपने सही सुना दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो फरहान अख्तर जपतेज सिंह सोनम कपूर योगराज सिंह दिव्या दत्ता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं दोस्तों इस मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आपने सही सुना तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो भाग मिल्खा भाग धावक मिल्खा सिंह के जीवन पर बनी फिल्म 2013 की बॉलीवुड हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने किया है अप्रैल 2014 में इकसठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इस फिल्म को सर्वेष्ठ मनोरंजन फिल्म का पुरस्कार मिला है इसके अतिरिक्त सर्वेष्ठ कोरियोग्राफी के साथ भी इस पूरी को पुरस्कार किया गया है मिल्खा सिंह फरहान अख्तर का बचपन दर्द और वेदान से भरा रहा वर्ष उन्नीस में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान मिल्का सिंह के माता पिता की हत्या हो जाती है मिल्का अपनी विवाहित भाई दिव्य दत्ता के साथ रहने लगते हैं लेकिन छोटे से मिल्का से ये नहीं देखा जाता कि उसकी बहन का प्रति उसे प्रतीड़ित करना है एक दिन ऐसा आता है जब मिल्का को अपना उसका जीजा घर से बाहर निकाल देता है मिल्का बड़े होकर होने के बाद भारतीय सेवा में भर्ती हो जाते हैं जल्दी वह सेना में एक धावक के रूप में मशहूर भी हो जाते हैं लक्ष्य को पाने के लिए मिलकर रात दिन एक कर देता और इस प्रकार फिल्म मिल्का सिंह का आधार आधार मानते हुए आगे बढ़ती है फिल्म भाग मिल्का भाग के फिल्म समीक्षाओं के अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं बीबीसी हिंदी का फिल्म समीक्षा कोमल हटक ने फिल्म को पाँच में से फोर स्टार दिए हुए दिया है फिल्म की कहानी के लिए लेखक परसुन जोशी ने बहुत अच्छा किया है फिल्म तीन घंटे में मिल्खा सिंह के पूरे जीवन को बेखूबी बड़े दर्द पर उतरती है फिल्म की कहानी लिखने के साथ साथ पटकथा की प्रसुन्न ने लिखी है फिल्म में दर्द ड्रामा हास्य, खुशी गम हार जीत और प्यार सभी तरह के भाव है लेकिन फिल्म में कई बार दर्शकों को यह महसूस हो सकता है कि मिल्खा का दर्द जरूरत से ज़्यादा दिखाया जा रहा है तो पर पर प्रशांत सिसोदिया ने फिल्म को थ्री पॉइंट फाइव स्टार की रीडिंग देने हुए लिखा है कहाँ कहीं कहीं यह जरूर लिखा कि कुछ सीन खत्म हो क्यों नहीं हो रहे लेकिन वैसे एक ऐसे सीन्स भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे तो इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों आपने सही सुना इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है तो इस प्रकार भी इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को इस प्रकार भी आप एंजॉय कर कर सकते हो यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह तीन घंटे के करीब इस मूवी की टाइम लेंथ है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी की टाइम लेंथ तीन घंटे के करीब है तो यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों मैं आपको बता दू यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हॉट स्टार के बाद यह मूवी आपको टे, टेलीविजन के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है तो आप इस मूवी को टेलीग्राम के चैनल पर भी एन्जॉय कर सकते हैं तो मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले भाग मिलकर भाग मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए धमाकेदार रूप भी दिया है तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है 11 जुलाई 2013 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी भाग मिलका भाग इस मूवी को डायरेक्ट किया राकेश सोम प्रकाश मेहरा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया है और दोस्तों एट्टी एट परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ आपने सही सुना एट्टी एट परसेंट इस गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और 75 फाइव परसेंट ग्रोटोन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को सेवेंटी फ़ाइव परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है बात करें इस मूवी का आईएमडीबी एम डी की तो 10 में से 8.2 की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ आपने सही सुना दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो फरहान अख्तर जपतेज सिंह सोनम कपूर योगराज सिंह दिव्या दत्ता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं दोस्तों इस मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आपने सही सुना तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो भाग मिल्का भाग धावक मिल्खा सिंह के जीवन पर बनी फिल्म 2013 की बॉलीवुड हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने किया है अप्रैल 2014 में इकसठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इस फिल्म को सर्वेष्ठ मनोरंजन फिल्म का पुरस्कार मिला है इसके अतिरिक्त सर्वेष्ठ कोरियोग्राफी के साथ भी इस मूवी को पुरस्कार किया गया है मिल्खा सिंह फरहान अख्तर का बचपन दर्द और वेदान से भरा रहा वर्ष उन्नीस सौ सैंताली में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान मिल्का सिंह के माता पिता की हत्या हो जाती है मिल्का अपनी विवाहित भाई दिव्या दत्ता के साथ रहने लगते हैं लेकिन छोटे से मिल्का से ये नहीं देखा जाता कि उसकी बहन का प्रति उसे प्रतीड़ित करना है एक दिन ऐसा आता है जब मिल्का को अपने उसका जीजा घर से बाहर निकाल देता है मिल्का बड़े होकर होने के बाद भारतीय सेवा में भर्ती हो जाते हैं जल्दी वह सेना में एक धावक के रूप में मशहूर भी हो जाते हैं लक्ष्य को पाने के लिए मिलकर रात दिन एक कर देता और इस प्रकार फिल्म मिल्का सिंह का आधार आधार मानते हुए आगे बढ़ती है फिल्म भाग मिल्का भाग के फिल्म समीक्षा के अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं बीबीसी हिंदी का फिल्म समीक्षा कोमल हटक ने फिल्म को पाँच में से फोर स्टार दिए हुए दिया है फिल्म की कहानी के लिए लेखक प्रसुन जोशी ने बहुत अच्छा किया है फिल्म तीन घंटे में मिल्खा सिंह के पूरे जीवन को बेखूबी बड़े दर्द पर उतरती है फिल्म की कहानी लिखने के साथ साथ पटकथा की प्रसन्न ने लिखी है फिल्म में दर्द ड्रामा हास्य, खुशी गम हार जीत और प्यार सभी तरह के भाव है लेकिन फिल्म में कई बार दर्शकों को यह महसूस हो सकता है कि मिल्खा का दर्द जरूरत से ज़्यादा दिखाया जा रहा है तो पर पर प्रशांत सिसोदिया ने फिल्म को थ्री पॉइंट फाइव स्टार की रेडिंग देने हुए लिखा है कहाँ कहीं कहीं यह जरूर लिखा कि कुछ सीन खत्म हो क्यों नहीं हो रहे लेकिन वैसे एक ऐसे सीन्स भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे तो इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों आपने सही सुना इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं यह है मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है तो इस प्रकार भी इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को इस प्रकार भी आप एंजॉय कर कर सकते हो यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह तीन घंटे के करीब इस मूवी की टाइम लेंथ है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी तो की टाइम लेंथ तीन घंटे के करीब है तो यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों मैं आपको बता दू यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हॉट स्टार के बाद यह मूवी आपको टे टेलीविज़न के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है तो आप इस मूवी को टेलीग्राम के चैनल पर भी एन्जॉय कर सकते हैं तो मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भाग मिलकर भाग मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए धमाकेदार रूप भी दिया है तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है 11 जुलाई 2013 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी भाग मिलका भाग इस मूवी को डायरेक्ट किया राकेश सोम प्रकाश मेहरा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया है और दोस्तों 88 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ आपने सही सुना 88 एट परसेंट इस गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ़्रेश बताया गया है और 75 फाइव परसेंट ब्रोटोन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 75 फाइव परसेंट रो, ब्रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है बात करें इस मूवी का आई रेटिंग की तो दस में से एट की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ आपने सही सुना दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो फरहान अख्तर जपतेज सिंह सोनम कपूर योगराज सिंह दिव्या दत्ता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं दोस्तों इस मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आपने सही सुना तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो भाग मिलका भाग धावक मिलका सिंह के जीवन पर बनी फिल्म 2013 की बॉलीवुड हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने किया है अप्रैल 2014 में इकसठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इस फिल्म को सर्वेष्ठ मनोरंजन फिल्म का पुरस्कार मिला है इसके अतिरिक्त सर्वेष्ठ कोरियोग्राफी के साथ भी इस मूवी को पुरस्कार किया गया है मिल्का सिंह फरहान अख्तर का बचपन दर्द और वेदान से भरा रहा वर्ष उन्नीस सौ में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान मिल्का सिंह के माता पिता की हत्या हो जाती है मिल्का अपनी विवाहित भाई दिव्या दत्ता के साथ रहने लगते हैं लेकिन छोटे से मिल्का से ये नहीं देखा जाता कि उसकी बहन का प्रति उसे प्रतीड़ित करना है एक दिन ऐसा आता है जब मिल्का को अपना उसका जीजा घर से बाहर निकाल देता है मिल्का बड़े होकर होने के बाद भारतीय सेवा में भर्ती हो जाते हैं जल्दी वह सेना में एक धावक के रूप में मशहूर भी हो जाते हैं लक्ष्य को पाने के लिए मिलकर रात दिन एक कर देता और इस प्रकार फिल्म मिल्का सिंह का आधार आधार मानते हुए आगे बढ़ती है फिल्म भाग मिल्का भाग के इस फिल्म समीक्षा के अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं बीबीसी हिंदी का फिल्म समीक्षा कोमल हटक ने फिल्म को पाँच में से फोर स्टार दिए हुए दिया है फिल्म की कहानी के लिए लेखक प्रसुन जोशी ने बहुत अच्छा किया है फिल्म तीन घंटे में मिल्खा सिंह के पूरे जीवन को बेखूबी बड़े दर्द पर उतरती है फिल्म की कहानी लिखने के साथ साथ पटकथा की प्रसन्न ने लिखी है फिल्म में दर्द ड्रामा हास्य, खुशी गम हार जीत और प्यार सभी तरह के भाव है लेकिन फिल्म में कई बार दर्शकों को यह महसूस हो सकता है कि मिल्खा का दर्द जरूरत से ज़्यादा दिखाया जा रहा है तो पर पर प्रशांत सिसोदिया ने फिल्म को थ्री पॉइंट फाइव स्टार की रेडिंग देने हुए लिखा है कहाँ कहीं कहीं यह जरूर लिखा कि कुछ सीन खत्म हो क्यों नहीं हो रहे लेकिन वैसे एक ऐसे सीन्स भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे तो इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों आपने सही सुना इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं यह है, मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है तो इस प्रकार भी इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को इस प्रकार भी आप एंजॉय कर कर सकते हो यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह तीन घंटे के करीब इस मूवी की टाइम लेंथ है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी की टाइम लेंथ तीन घंटे के करीब है तो यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हॉट स्टार के बाद यह मूवी आपको टे, टेलीविज़न के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है तो आप इस मूवी को टेलीग्राम के चैनल पर भी एन्जॉय कर सकते हैं तो मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भाग मिलकर भाग मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए धमाकेदार रूप भी दिया है तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है 11 जुलाई 2013 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी भाग मिलका भाग इस मूवी को डायरेक्ट किया राकेश सोम प्रकाश मेहरा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया है और दोस्तों 88 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ आपने सही सुना 88 एट परसेंट इस गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ़्रेश बताया गया है और 75 फाइव परसेंट रोटोन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 75 फाइव परसेंट रो, रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है बात करें इस मूवी का आईएमडीबी एम रीडिंग की तो 10 में से 8.2 की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ आपने सही सुना दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो फरहान अख्तर जगतेज सिंह सोनम कपूर योगराज सिंह दिव्या दत्ता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं दोस्तों इस मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आपने सही सुना तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो भाग मिलका भाग धावक मिलका सिंह के जीवन पर बनी फिल्म 2013 की बॉलीवुड हिंदी फिल्म है जि, जिसका निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने किया है अप्रैल 2014 में इकसठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इस फिल्म को सर्वेष्ठ मनोरंजन फिल्म का पुरस्कार मिला है इसके अतिरिक्त सर्वेष्ठ कोरियोग्राफी के साथ भी इस मूवी को पुरस्कार किया गया है मिल्का सिंह फरहान अख्तर का बचपन दर्द और वेदान से भरा रहा वर्ष उन्नीस सौ में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान मिल्का सिंह के माता पिता की हत्या हो जाती है मिल्का अपनी विवाहित भाई दिव्या दत्ता के साथ रहने लगते हैं लेकिन छोटे से मिल्का से ये नहीं देखा जाता कि उसकी बहन का प्रति उसे प्रतीड़ित करना है एक दिन ऐसा आता है जब मिल्का को अपना उसका जीजा घर से बाहर निकाल देता है मिल्का बड़े होकर होने के बाद भारतीय सेवा में भर्ती हो जाते हैं जल्दी वह सेना में एक धावक के रूप में मशहूर भी हो जाते हैं लक्ष्य को पाने के लिए मिलकर रात दिन एक कर देता और इस प्रकार फिल्म मिल्का सिंह का आधार आधार मानते हुए आगे बढ़ती है फिल्म भाग मिल्का भाग के इस फिल्म समीक्षा के अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं बीबीसी हिंदी का फिल्म समीक्षा कोमल हटक ने फिल्म को पाँच में से फोर स्टार दिए हुए दिया है फिल्म की कहानी के लिए लेखक प्रसुन जोशी ने बहुत अच्छा किया है फिल्म तीन घंटे में मिल्खा सिंह के पूरे जीवन को बेखूबी बड़े दर्द पर उतरती है फिल्म की कहानी लिखने के साथ साथ पटकथा की प्रसुन्न ने लिखी है फिल्म में दर्द ड्रामा हास्य, खुशी गम हार जीत और प्यार सभी तरह के भाव है लेकिन फिल्म में कई बार दर्शकों को यह महसूस हो सकता है कि मिल्खा का दर्द जरूरत से ज़्यादा दिखाया जा रहा है तो पर पर प्रशांत सिसोदिया ने फिल्म को थ्री पॉइंट फाइव स्टार की रेडिंग देने हुए लिखा है कहाँ कहीं कहीं यह जरूर लिखा कि कुछ सीन खत्म हो क्यों नहीं हो रहे लेकिन वैसे एक ऐसे सीन्स भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे तो इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों आपने सही सुना इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं यह है, मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है तो इस प्रकार भी इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को इस प्रकार भी आप एंजॉय कर कर सकते हो यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह तीन घंटे के करीब इस मूवी की टाइम लेंथ है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी की टाइम लेंथ तीन घंटे के करीब है तो यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एन्जॉय करना ही चाहिए हॉट स्टार के बाद यह मूवी आपको टे, टेलीविज़न के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है तो आप इस मूवी को टेलीग्राम के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हैं तो मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले भाग मिलकर भाग मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए धमाकेदार रूप भी दिया है तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ग्यारह जुलाई दो को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी भाग मिलका भाग इस मूवी को डायरेक्ट किया राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया है और दोस्तों एट्टी एट परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ आपने सही सुना एट्टी एट परसेंट इस गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और सेवेंटी फाइव परसेंट टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को सेवेंटी फाइव परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है बात करें इस मूवी के आई रेटिंग की तो दस में से एट पॉइंट टू की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ आपने सही सुना दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो फरहान अख्तर जगतेज सिंह सोनम कपूर योगराज सिंह दिव्या दत्ता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं दोस्तों इस मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आपने सही सुना तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो भाग मिल्खा भाग धावक मिल्खा सिंह के जीवन पर बनी फिल्म 2013 की बॉलीवुड हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने किया है अप्रैल 2014 में इकसठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इस फिल्म को सर्वेष्ठ मनोरंजन फिल्म का पुरस्कार मिला है इसके अतिरिक्त सर्वेष्ठ कोरियोग्राफी के साथ भी इस मूवी को पुरस्कार किया गया है मिल्का सिंह फरहान अख्तर का बचपन दर्द और वेदांत से भरा रहा वर्ष उन्नीस में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान मिल्का सिंह के माता पिता की हत्या हो जाती है मिल्का अपनी विवाहित भाई दिव्या दत्ता के साथ रहने लगते हैं लेकिन छोटे से मिल्का से ये नहीं देखा जाता कि उसकी बहन का प्रति उसे प्रतिड़ित करना है एक दिन ऐसा आता है जब मिल्का को अपने उसका जीजा घर से बाहर निकाल देता है मिल्का बड़े होकर होने के बाद भारतीय सेवा में भर्ती हो जाते हैं जल्दी वह सेना में एक धावक के रूप में मशहूर भी हो जाते हैं लक्ष्य को पाने के लिए मिलकर रात दिन एक कर देता और इस प्रकार फिल्म मिलका सिंह का आधार आधार मानते हुए आगे बढ़ती है फिल्म भाग मिल्का भाग के इस फिल्म समीक्षा के अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं बीबीसी हिंदी का फिल्म समीक्षा कोमल हटर ने फिल्म को पाँच में से फोर स्टार दिए हुए दिया है फिल्म की कहानी के लिए लेखक परसून जोशी ने बहुत अच्छा किया है फिल्म तीन घंटे में मिल्खा सिंह के पूरे जीवन को बेखूबी बड़े दर्द पर उतरती है फिल्म की कहानी लिखने के साथ साथ पटकथा की प्रसुन्न ने लिखी है फिल्म में दर्द ड्रामा हास्य खुशी गम हार जीत और प्यार सभी तरह के भाव हुआ लेकिन फिल्म में कई बार दर्शकों को यह महसूस हो सकता है कि मिल्खा का दर्द जरूरत से ज़्यादा दिखाया जा रहा है तो पर पर प्रशांत सिसोदिया ने फिल्म को 3.5 स्टार की रीडिंग देने हुए लिखा है कहाँ कहीं कहीं यह जरूर लिखा कि कुछ सीन खत्म हो क्यों नहीं हो रहे लेकिन वैसे एक ऐसे सीन्स भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे तो इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं यह मूवी आपको आए दिन टे टे टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है तो इस प्रकार भी इस मूवी को आप इन्जॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को इस प्रकार भी आप इन्जॉय कर सकते हो यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह तीन घंटे के करीब इस मूवी की टाइम लेंथ है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी की टाइम लेंथ तीन घंटे के करीब है तो यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हॉट स्टार के बाद यह मूवी आपको टे, टेलीविज़न के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है तो आप इस मूवी को टेलीग्राम के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हैं तो मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले भाग मिलकर भाग मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए धमाकेदार रूप भी दिया है तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है 11 जुलाई 2013 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी भाग मिलका भाग इस मूवी को डायरेक्ट किया राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया है और दोस्तों एट्टी गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ आपने सही सुना एट्टी एट परसेंट इस गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और सेवनटी फाइव परसेंट प्रोटोन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को सेवेंटी फाइव परसेंट रोटो रोटोटमेटो की तरफ से फ्रेश बताया गया है बात करें इस मूवी का आई एम डी बी की तो 10 में से 8.2 की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ आपने सही सुना दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो फरहान अख्तर जगतेज सिंह सोनम कपूर योगराज सिंह दिव्या दत्ता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं दोस्तों इस मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आपने सही सुना तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो भाग मिल्खा भाग धावक मिल्खा सिंह के जीवन पर बनी फिल्म 2013 की बॉलीवुड हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने किया है अप्रैल 2014 में इकसठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इस फिल्म को सर्वेष्ठ मनोरंजन फिल्म का पुरस्कार मिला है इसके अतिरिक्त सर्वेष्ठ कोरियोग्राफी के साथ भी इस मूवी को पुरस्कार किया गया है मिल्का सिंह फरहान अख्तर का बचपन दर्द और वेदान से भरा रहा वर्ष उन्नीस में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान मिल्का सिंह के माता पिता की हत्या हो जाती है मिल्का अपनी विवाहित भाई दिव्या दत्ता के साथ रहने लगते हैं लेकिन छोटे से मिल्का से ये नहीं देखा जाता कि उसकी बहन का प्रति उसे प्रतीड़ित करना है एक दिन ऐसा आता है जब मिल्का को अपना उसका जीजा घर से बाहर निकाल देता है मिल्का बड़े होकर होने के बाद भारतीय सेवा में भर्ती हो जाते हैं जल्दी वह सेना में एक धावक के रूप में मशहूर भी हो जाते हैं लक्ष्य को पाने के लिए मिलकर रात दिन एक कर देता और इस प्रकार फिल्म मिल्का सिंह का आधार आधार मानते हुए आगे बढ़ती है फिल्म भाग मिल्का भाग के फिल्म समीक्षा के अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं बीबीसी हिंदी का फिल्म समीक्षा कोमल हटक ने फिल्म को पाँच में से फोर स्टार दिए हुए दिया है फिल्म की कहानी के लिए लेखक प्रसुन जोशी ने बहुत अच्छा किया है फिल्म तीन घंटे में मिल्खा सिंह के पूरे जीवन को बेखूबी बड़े दर्द पर उतरती है फिल्म की कहानी लिखने के साथ साथ पटकथा की प्रसुन्न ने लिखी है फिल्म में दर्द ड्रामा हास्य, खुशी गम हार जीत और प्यार सभी तरह के भाव हुए लेकिन फिल्म में कई बार दर्शकों को यह महसूस हो सकता है कि मिल्खा का दर्द जरूरत से ज़्यादा दिखाया जा रहा है तो पर पर प्रशांत सिसोदिया ने फिल्म को थ्री पॉइंट फाइव स्टार की रेडिंग देने हुए लिखा है कहां कहीं कहीं यह जरूर लिखा कि कुछ सीन खत्म हो क्यों नहीं हो रहे लेकिन वैसे एक ऐसे सीन्स भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे तो इस प्रकार इस मूवी को आप इन्जॉय कर सकते हैं दोस्तों आपने सही सुना इस प्रकार इस मूवी को आप इंजॉय कर सकते हैं यह है, मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है तो इस प्रकार भी इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को इस प्रकार भी आप एंजॉय कर कर सकते हो यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह तीन घंटे के करीब इस मूवी की टाइम लेंथ है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी की टाइम लेंथ तीन घंटे के करीब है तो यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हॉट स्टार के बाद यह मूवी आपको टे, टेलीविज़न के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है तो आप इस मूवी को टेलीग्राम के चैनल पर भी एन्जॉय कर सकते हैं तो मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भाग मिलकर भाग मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए धमाकेदार रूप भी दिया है तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ग्यारह जुलाई दो को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी भाग मिलका भाग इस मूवी को डायरेक्ट किया राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया है और दोस्तों एट्टी एट परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ आपने सही सुना एट्टी एट परसेंट इस गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और 75% फाइव परसेंट टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को सेवेंटी फ़ाइव परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है बात करें इस मूवी का आई एम डी बी की तो 10 में से 8.2 की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ आपने सही सुना दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो फरहान अख्तर जगतेज सिंह सोनम कपूर योगराज सिंह दिव्या दत्ता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं दोस्तों इस मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आपने सही सुना तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो भाग मिल्खा भाग धावक मिल्खा सिंह के जीवन पर बनी फिल्म 2013 की बॉलीवुड हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने किया है अप्रैल 2014 में इकसठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इस फिल्म को सर्वेष्ठ मनोरंजन फिल्म का पुरस्कार मिला है इसके अतिरिक्त सर्वेष्ठ कोरियोग्राफी के साथ भी इस मूवी को पुरस्कार किया गया है मिल्का सिंह फरहान अख्तर का बचपन दर्द और वेदान से भरा रहा वर्ष उन्नीस में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान मिल्का सिंह के माता पिता की हत्या हो जाती है मिल्का अपनी विवाहित भाई दिव्या दत्ता के साथ रहने लगते हैं लेकिन छोटे से मिल्का से ये नहीं देखा जाता कि उसकी बहन का प्रति उसे प्रतीड़ित करना है एक दिन ऐसा आता है जब मिल्का को अपने उसका जीजा घर से बाहर निकाल देता है मिल्का बड़े होकर होने के बाद भारतीय सेवा में भर्ती हो जाते हैं जल्दी वह सेना में एक धावक के रूप में मशहूर भी हो जाते हैं लक्ष्य को पाने के लिए मिलकर रात दिन एक कर देता और इस प्रकार फिल्म मिलका सिंह का आधार आधार मानते हुए आगे बढ़ती है फिल्म भाग मिलका भाग के इस फिल्म समीक्षा के अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं बीबीसी हिंदी का फिल्म समीक्षा कोमल हटक ने फिल्म को पाँच में से फोर स्टार दिए हुए दिया है फिल्म की कहानी के लिए लेखक प्रसुन जोशी ने बहुत अच्छा किया है फिल्म तीन घंटे में मिल्खा सिंह के पूरे जीवन को बेखूबी बड़े दर्द पर उतरती है फिल्म की कहानी लिखने के साथ साथ पटकथा की प्रसन्न ने लिखी है फिल्म में दर्द ड्रामा हास्य, खुशी गम हार जीत और प्यार सभी तरह के भाव है लेकिन फिल्म में कई बार दर्शकों को यह महसूस हो सकता है कि मिल्खा का दर्द जरूरत से ज़्यादा दिखाया जा रहा है तो पर पर प्रशांत सिसोदिया ने फिल्म को थ्री पॉइंट फाइव स्टार की रेडिंग देने हुए लिखा है कहां कहीं कहीं यह जरूर लिखा कि कुछ सीन खत्म हो क्यों नहीं हो रहे लेकिन वैसे एक ऐसे सीन्स भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे तो इस प्रकार इस मूवी को आप इन्जॉय कर सकते हैं दोस्तों आपने सही सुना इस प्रकार इस मूवी को आप इंजॉय कर सकते हैं यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है तो इस प्रकार भी इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को इस प्रकार भी आप एंजॉय कर कर सकते हो यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह तीन घंटे के करीब इस मूवी की टाइम लेंथ है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी की टाइम लेंथ तीन घंटे के करीब है तो यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हॉट स्टार के बाद यह मूवी आपको टे, टेलीविज़न के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है तो आप इस मूवी को टेलीग्राम के चैनल पर भी एन्जॉय कर सकते हैं तो मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भाग मिल्का भाग मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए धमाकेदार रूप भी दिया है तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है 11 जुलाई 2013 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी भाग मिलका भाग इस मूवी को डायरेक्ट किया ओम प्रकाश मेहरा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया है और दोस्तों 88 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ आपने सही सुना एट्टी एट परसेंट इस गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ़्रेश बताया गया है और सेवेंटी फाइव परसेंट प्रोटोन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को सेवेंटी फाइव परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है बात करें इस मूवी का आई रेटिंग की तो दस में से एट पॉइंट टू की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ आपने सही सुना दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो फरहान अख्तर जपतेज सिंह सोनम कपूर योगराज सिंह दिव्या दत्ता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं दोस्तों इस मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आपने सही सुना तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो भाग मिल्खा भाग धावक मिल्खा सिंह के जीवन पर बनी फिल्म 2013 की बॉलीवुड हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने किया है अप्रैल 2014 में इकसठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इस फिल्म को सर्वेष्ठ मनोरंजन फिल्म का पुरस्कार मिला है इसके अतिरिक्त सर्वेष्ठ कोरियोग्राफी के साथ भी इस मूवी को पुरस्कार किया गया है मिलका सिंह फरहान अख्तर का बचपन दर्द और वेदान से भरा रहा वर्ष उन्नीस सौ में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान मिलका सिंह के माता पिता की हत्या हो जाती है मिलका अपनी विवाहित भाई दिव्या दत्ता के साथ रहने लगते हैं लेकिन छोटे से मिलका से ये नहीं देखा जाता कि उसकी बहन का प्रति उसे प्रतीड़ित करना है एक दिन ऐसा आता है जब मिल्का को अपना उसका जीजा घर से बाहर निकाल देता है मिल्का बड़े होकर होने के बाद भारतीय सेवा में भर्ती हो जाते हैं जल्दी वह सेना में एक धावक के रूप में मशहूर भी हो जाते हैं लक्ष्य को पाने के लिए मिलकर रात दिन एक कर देता और इस प्रकार फिल्म मिल्का सिंह का आधार आधार मानते हुए आगे बढ़ती है फिल्म भाग मिल्का भाग के इस फिल्म समीक्षा के अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं बीबीसी हिंदी का फिल्म समीक्षा कोमल हटर ने फिल्म को पाँच में से फोर स्टार दिए हुए दिया है फिल्म की कहानी के लिए लेखक प्रसुन जोशी ने बहुत अच्छा किया है फिल्म तीन घंटे में मिल्खा सिंह के पूरे जीवन को बेखूबी बड़े दर्द पर उतरती है फिल्म की कहानी लिखने के साथ साथ पटकथा की प्रसन्न ने लिखी है फिल्म में दर्द ड्रामा हास्या खुशी गम हार जीत और प्यार सभी तरह के भाव है लेकिन फिल्म में कई बार दर्शकों को यह महसूस हो सकता है कि मिल्खा का दर्द जरूरत से ज़्यादा दिखाया जा रहा है तो पर पर प्रशांत सिसोदिया ने फिल्म को थ्री पॉइंट फाइव स्टार की रीडिंग देने हुए लिखा है कहाँ कहीं कहीं यह जरूर लिखा कि कुछ सीन खत्म हो क्यों नहीं हो रहे लेकिन वैसे एक ऐसे सीन्स भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे तो इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों आपने सही सुना इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है तो इस प्रकार भी इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को इस प्रकार भी आप एंजॉय कर कर सकते हो यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह तीन घंटे के करीब इस मूवी की टाइम लेंथ है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी की टाइम लेंथ तीन घंटे के करीब है तो यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एन्जॉय करना ही चाहिए हॉट स्टार के बाद यह मूवी आपको टे, टेलीविज़न के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है तो आप इस मूवी को टेलीग्राम के चैनल पर भी एन्जॉय कर सकते हैं तो मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भाग मिलकर भाग मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए धमाकेदार रूप भी दिया है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ग्यारह जुलाई दो को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी भाग मिलका भाग इस मूवी को डायरेक्ट किया राकेश सोम प्रकाश मेहरा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया है और दोस्तों 88 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ आपने सही सुना एट्टी एट परसेंट इस गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और सेवेंटी फाइव परसेंट प्रोटोन टोमेटोलॉज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को सेवेंटी फ़ाइव परसेंट रोटो रौ, टोमेटोलॉज की तरफ से फ्रेश बताया गया है बात करें इस मूवी के आईएमडीबी एम रीडिंग की तो दस में से एट पॉइंट टू की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ आपने सही सुना दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो फरहान अख्तर जपतेज सिंह सोनम कपूर योगराज सिंह दिव्या दत्ता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं दोस्तों इस मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आपने सही सुना तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो भाग मिलका भाग धावक मिलका सिंह के जीवन पर बनी फिल्म 2013 की बॉलीवुड हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने किया है अप्रैल 2014 में इकसठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इस फिल्म को सर्वेष्ठ मनोरंजन फिल्म का पुरस्कार मिला है इसके अतिरिक्त सर्वेष्ठ कोरियोग्राफी के साथ भी इस मूवी को पुरस्कार किया गया है मिल्का सिंह फरहान अख्तर का बचपन दर्द और वेदान से भरा रहा वर्ष उन्नीस सौ में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान मिल्का सिंह के माता पिता की हत्या हो जाती है मिल्का अपनी विवाहित भाई दिव्या दत्ता के साथ रहने लगते हैं लेकिन छोटे से मिल्का से ये नहीं देखा जाता कि उसकी बहन का प्रति उसे प्रतीड़ित करना है एक दिन ऐसा आता है जब मिल्का को अपने उसका जीजा घर से बाहर निकाल देता है मिल्का बड़े होकर होने के बाद भारतीय सेवा में भर्ती हो जाते हैं जल्दी वह सेना में एक धावक के रूप में मशहूर भी हो जाते हैं लक्ष्य को पाने के लिए मिलकर रात दिन एक कर देता और इस प्रकार फिल्म मिल्का सिंह का आधार आधार मानते हुए आगे बढ़ती है फिल्म भाग मिल्का भाग के इस फिल्म समीक्षा के अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं बीबीसी हिंदी का फिल्म समीक्षा कोमल हटर ने फिल्म को पाँच में से फोर स्टार दिए हुए दिया है फिल्म की कहानी के लिए लेखक परसून जोशी ने बहुत अच्छा किया है फिल्म तीन घंटे में मिल्खा सिंह के पूरे जीवन को बेखूबी बड़े दर्द पर उतरती है फिल्म की कहानी लिखने के साथ साथ पटकथा की प्रसन्न ने लिखी है फिल्म में दर्द ड्रामा हास्या खुशी गम हार जीत और प्यार सभी तरह के भाव है लेकिन फिल्म में कई बार दर्शकों को यह महसूस हो सकता है कि मिल्खा का दर्द जरूरत से ज़्यादा दिखाया जा रहा है तो पर पर प्रशांत सिसोदिया ने फिल्म को थ्री पॉइंट फाइव स्टार की रेडिंग देने हुए लिखा है कहाँ कहीं कहीं यह जरूर लिखा कि कुछ सीन खत्म हो क्यों नहीं हो रहे लेकिन वैसे एक ऐसे सीन्स भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे तो इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों आपने सही सुना इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं यह है मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है तो इस प्रकार भी इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही जाए जाए, सुना इस मूवी को इस प्रकार भी आप एंजॉय कर कर सकते हो यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह तीन घंटे के करीब इस मूवी की टाइम लेंथ है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी की टाइम लेंथ तीन घंटे के करीब है तो यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्त मैं आपको बता दू यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हॉट स्टार के बाद यह मूवी आपको टे, टेलीविज़न के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है तो आप इस मूवी को टेलीग्राम के चैनल पर भी एन्जॉय कर सकते हैं तो मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भाग मिल्का भाग मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए धमाकेदार रूप भी दिया है तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ग्यारह जुलाई दो को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी भाग मिलका भाग इस मूवी को डायरेक्ट किया राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया है और दोस्तों 88 एट परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ आपने सही सुना 88 एट परसेंट इस गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और सेवेंटी फाइव परसेंट रोटोन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को सेवेंटी फाइव परसेंट रो, रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है बात करें इस मूवी का आई रेटिंग की तो दस में से एट पॉइंट टू की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ आपने सही सुना दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो फरहान अख्तर जपतेज सिंह सोनम कपूर योगराज सिंह दिव्या दत्ता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं दोस्तों इस मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आपने सही सुना तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो भाग मिल्खा भाग धावक मिल्खा सिंह के जीवन पर बनी फिल्म 2013 की बॉलीवुड हिंदी फिल्म है जि, जिसका निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने किया है अप्रैल 2014 में इकसठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इस फिल्म को सर्वेष्ठ मनोरंजन फिल्म का पुरस्कार मिला है इसके अतिरिक्त सर्वेष्ठ कोरियोग्राफी के साथ भी इस मूवी को पुरस्कार किया गया है मिल्का सिंह फरहान अख्तर का बचपन दर्द और वेदान से भरा रहा वर्ष उन्नीस में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान मिल्का सिंह के माता पिता की हत्या हो जाती है मिल्का अपनी विवाहित भाई दिव्या दत्ता के साथ रहने लगते हैं लेकिन छोटे से मिल्का से ये नहीं देखा जाता कि उसकी बहन का प्रति उसे प्रतीड़ित करना है एक दिन ऐसा आता है जब मिल्का को अपना उसका जीजा घर से बाहर निकाल देता है मिल्का बड़े होकर होने के बाद भारतीय सेवा में भर्ती हो जाते हैं जल्दी वह सेना में एक धावक के रूप में मशहूर भी हो जाते हैं लक्ष्य को पाने के लिए मिलकर रात दिन एक कर देता और इस प्रकार फिल्म मिलका सिंह का आधार आधार मानते हुए आगे बढ़ती है फिल्म भाग मिलका भाग के इस फिल्म समीक्षाओं के अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं बीबीसी हिंदी का फिल्म समीक्षा कोमल हटर ने फिल्म को पाँच में से फोर स्टार दिए हुए दिया है फिल्म की कहानी के लिए लेखक प्रसुन जोशी ने बहुत अच्छा किया है फिल्म तीन घंटे में मिल्खा सिंह के पूरे जीवन को बेखूबी बड़े दर्द पर उतरती है फिल्म की कहानी लिखने के साथ साथ पटकथा की प्रसुन्न ने लिखी है फिल्म में दर्द ड्रामा हास्य, खुशी गम हार जीत और प्यार सभी तरह के भाव है लेकिन फिल्म में कई बार दर्शकों को यह महसूस हो सकता है कि मिल्खा का दर्द जरूरत से ज़्यादा दिखाया जा रहा है तो पर पर प्रशांत सिसोदिया ने फिल्म को 3.5 स्टार की रेडिंग देने हुए लिखा है कहाँ कहीं कहीं यह जरूर लिखा कि कुछ सीन खत्म हो क्यों नहीं हो रहे हैं लेकिन वैसे एक ऐसे सीन्स भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे तो इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों आपने सही सुना इस प्रकार इस मूवी को आप इंजॉय कर सकते हैं यह है, मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है तो इस प्रकार भी इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को इस प्रकार भी आप एंजॉय कर कर सकते हो यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह तीन घंटे के करीब इस मूवी की टाइम लेंथ है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी की टाइम लेंथ तीन घंटे के करीब है तो यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्त मैं आपको बता दूँ यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हॉट स्टार के बाद यह मूवी आपको टे टेलीविज़न के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है तो आप इस मूवी को टेलीग्राम के चैनल पर भी एन्जॉय कर सकते हैं तो मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भाग मिलकर भाग मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट हैं धमाकेदार रूप भी दिया है तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ग्यारह जुलाई दो को रिलीज़ हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी भाग मिलका भाग इस मूवी को डायरेक्ट किया ओम प्रकाश मेहरा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया है और दोस्तों 88 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ आपने सही सुना 88 परसेंट इस गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और 75 फाइव परसेंट प्रोटोन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 75% फाइव रोटो रोटोटोमेटोलोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है बात करें इस मूवी का आई एम डी बी रीडिंग की तो दस में से एट पॉइंट टू की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ आपने सही सुना दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो फरहान अख्तर जगतेज सिंह सोनम कपूर योगराज सिंह दिव्या दत्ता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं दोस्तों इस मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आपने सही सुना तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो भाग मिल्का भाग धावक मिल्खा सिंह के जीवन पर बनी फिल्म 2013 की बॉलीवुड हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने किया है अप्रैल 2014 में इकसठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इस फिल्म को सर्वेष्ठ मनोरंजन फिल्म का पुरस्कार मिला है इसके अतिरिक्त सर्वेष्ठ कोरियोग्राफी के साथ भी इस मुझे को पुरस्कार किया गया है मिल्का सिंह फरहान अख्तर का बचपन दर्द और वेदान से भरा रहा वर्ष उन्नीस में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान मिल्का सिंह के माता पिता की हत्या हो जाती है मिल्का अपनी विवाहित भाई दिव्या दत्ता के साथ रहने लगते हैं लेकिन छोटे से मिल्का से ये नहीं देखा जाता कि उसकी बहन का प्रत्ये उसे प्रतीड़ित करना है एक दिन ऐसा आता है जब मिल्का को अपना उसका जीजा घर से बाहर निकाल देता है मिल्का बड़े होकर होने के बाद भारतीय सेवा में भर्ती हो जाते हैं जल्दी वह सेना में एक धावक के रूप में मशहूर भी हो जाते हैं लक्ष्य को पाने के लिए मिलकर रात दिन एक कर देता और इस प्रकार फिल्म मिलका सिंह का आधार आधार मानते हुए आगे बढ़ती है फिल्म भाग मिलका भाग के इस फिल्म समीक्षा के अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं बीबीसी हिंदी का फिल्म समीक्षा कोमल हटर ने फिल्म को पाँच में से फोर स्टार दिए हुए दिया है फिल्म की कहानी के लिए लेखक प्रसुन जोशी ने बहुत अच्छा किया है फिल्म तीन घंटे में मिल्खा सिंह के पूरे जीवन को बेखूबी बड़े दर्द पर उतरती है फिल्म की कहानी लिखने के साथ साथ पटकथा की प्रसुन्न ने लिखी है फिल्म में दर्द ड्रामा हास्य, खुशी गम हार जीत और प्यार सभी तरह के भाव है लेकिन फिल्म में कई बार दर्शकों को यह महसूस हो सकता है कि मिल्खा का दर्द जरूरत से ज़्यादा दिखाया जा रहा है तो पर पर प्रशांत सिसोदिया ने फिल्म को थ्री पॉइंट फाइव स्टार की रेडिंग देने हुए लिखा है कहा कहीं कहीं यह जरूर लिखा कि कुछ सीन खत्म हो क्यों नहीं हो रहे हैं लेकिन वैसे एक ऐसे सीन्स भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे तो इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों आपने सही सुना इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं यह है मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है तो इस प्रकार भी इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को इस प्रकार भी आप एंजॉय कर कर सकते हो यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह तीन घंटे के करीब इस मूवी की टाइम लेंथ है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी की टाइम लेंथ तीन घंटे के करीब है तो यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्त मैं आपको बता दूँ यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हॉट स्टार के बाद यह मूवी आपको टे टेलीविज़न के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है तो आप इस मूवी को टेलीग्राम के चैनल पर भी एन्जॉय कर सकते हैं तो मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले भाग मिल्का भाग मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताएँ धमाकेदार रूप भी दिया है तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ग्यारह जुलाई दो को रिलीज़ हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी भाग मिलका भाग इस मूवी को डायरेक्ट किया राकेश सोम प्रकाश मेहरा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया है और दोस्तों 88 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ आपने सही सुना 88 परसेंट इस गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और 75 फाइव परसेंट प्रोटोन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 75% फाइव रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है बात करें इस मूवी का आई रेटिंग की तो दस में से एट पॉइंट टू की दमदार रेटिंग मिली हुई है हाँ आपने सही सुना दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो फरहान अख्तर जगतेज सिंह सोनम कपूर योगराज सिंह दिव्या दत्ता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं दोस्तों इस मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आपने सही सुना तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो भाग मिल्का भाग धावक मिल्का सिंह के जीवन पर बनी फिल्म 2013 की बॉलीवुड हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने किया है अप्रैल 2014 में इकसठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इस फिल्म को सर्वेष्ठ मनोरंजन फिल्म का पुरस्कार मिला है इसके अतिरिक्त सर्वेष्ठ कोरियोग्राफी के साथ भी इस मूवी को पुरस्कार किया गया है मिल्का सिंह फरहान अख्तर का बचपन दर्द और वेदान से भरा रहा वर्ष उन्नीस में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान मिल्का सिंह के माता पिता की हत्या हो जाती है मिल्का अपनी विवाहित भाई दिव्या दत्ता के साथ रहने लगते हैं लेकिन छोटे से मिल्का से ये नहीं देखा जाता कि उसकी बहन का प्रत्येक उसे प्रतीड़ित करना है एक दिन ऐसा आता है जब मिल्का को अपने उसका जीजा घर से बाहर निकाल देता है मिल्का बड़े होकर होने के बाद भारतीय सेवा में भर्ती हो जाते हैं जल्दी वो सेना में एक धावक के रूप में मशहूर भी हो जाते हैं लक्ष्य को पाने के लिए मिलकर रात दिन एक कर देता और इस प्रकार फिल्म मिलका सिंह का आधार आधार मानते हुए आगे बढ़ती है फिल्म भाग मिलका भाग के इस फिल्म समीक्षा के अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं बीबीसी हिंदी का फिल्म समीक्षा कोमल हटर ने फिल्म को पाँच में से फोर स्टार दिए हुए दिया है फिल्म की कहानी के लिए लेखक परसुन जोशी ने बहुत अच्छा किया है फिल्म तीन घंटे में मिल्खा सिंह के पूरे जीवन को बेखूबी बड़े दर्द पर उतरती है फिल्म की कहानी लिखने के साथ साथ पटकथा की प्रसन्न ने लिखी है फिल्म में दर्द ड्रामा हास्य, खुशी गम हार जीत और प्यार सभी तरह के भाव है लेकिन फिल्म में कई बार दर्शकों को यह महसूस हो सकता है कि मिल्खा का दर्द जरूरत से ज़्यादा दिखाया जा रहा है तो पर पर प्रशांत सिसोदिया ने फिल्म को थ्री पॉइंट फाइव स्टार की रीडिंग देने हुए लिखा है कहा कहीं कहीं यह जरूर लिखा कि कुछ सीन खत्म हो क्यों नहीं हो रहे लेकिन वैसे एक ऐसे सीन्स भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे तो इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों आपने सही सुना इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं यह है मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है तो इस प्रकार भी इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को इस प्रकार भी आप एंजॉय कर कर सकते हो यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह तीन घंटे के करीब इस मूवी की टाइम लेंथ है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी की टाइम लेंथ तीन घंटे के करीब है तो यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी इन्जॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी इंजॉय कर सकते हो तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हॉट स्टार के बाद यह मूवी आपको टे टेलीविज़न के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है तो आप इस मूवी को टेलीग्राम के चैनल पर भी एन्जॉय कर सकते हैं तो मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भाग मिलकर भाग मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए धमाकेदार रूप भी दिया है तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ग्यारह जुलाई दो को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी भाग मिलका भाग इस मूवी को डायरेक्ट किया राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया है और दोस्तों 88 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ आपने सही सुना एट्टी एट परसेंट इस गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और सेवनटी फाइव परसेंट ब्रोटोन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को सेवेंटी फाइव परसेंट रू रो, टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है बात करें इस मूवी का आई एम डी बी रीडिंग की तो दस में से एट पॉइंट टू की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ आपने सही सुना दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो फरहान अख्तर जपतेश सिंह सोनम कपूर योगराज सिंह दिव्या दत्ता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं दोस्तों इस मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आपने सही सुना तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो भाग मिलका भाग धावक मिल्खा सिंह के जीवन पर बनी फिल्म 2013 की बॉलीवुड हिंदी फिल्म है जि, जिसका निर्देशन राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने किया है अप्रैल 2014 में इकसठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इस फिल्म को सर्वेष्ठ मनोरंजन फिल्म का पुरस्कार मिला है इसके अतिरिक्त सर्वेष्ठ कोरियोग्राफी के साथ भी इस मूवी को पुरस्कार किया गया है मिल्का सिंह फरहान अख्तर का बचपन दर्द और वेदान से भरा रहा वर्ष उन्नीस सौ में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान मिल्का सिंह के माता पिता की हत्या हो जाती है मिल्का अपनी विवाहित भाई दिव्या दत्ता के साथ रहने लगते हैं लेकिन छोटे से मिल्का से ये नहीं देखा जाता कि उसकी बहन का प्रति उसे प्रतीड़ित करना है एक दिन ऐसा आता है जब मिल्का को अपने उसका जीजा घर से बाहर निकाल देता है मिल्खा बड़े होकर होने के बाद भारतीय सेवा में भर्ती हो जाते हैं जल्दी वो सेना में एक धावक के रूप में मशहूर भी हो जाते हैं लक्ष्य को पाने के लिए मिलकर रात दिन एक कर देता और इस प्रकार फिल्म मिल्का सिंह का आधार आधार मानते हुए आगे बढ़ती है फिल्म भाग मिल्का भाग के इस फिल्म समीक्षा के अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं बीबीसी हिंदी का फिल्म समीक्ष कोमल हटर ने फिल्म को पाँच में से फोर स्टार दिए हुए दिया है फिल्म की कहानी के लिए लेखक प्रसुन जोशी ने बहुत अच्छा किया है फिल्म तीन घंटे में मिल्खा सिंह के पूरे जीवन को बेखूबी बड़े दर्द पर उतरती है फिल्म की कहानी लिखने के साथ साथ पटकथा की प्रसन्न ने लिखी है फिल्म में दर्द ड्रामा हास्य, खुशी गम हार जीत और प्यार सभी तरह के भाव है लेकिन फिल्म में कई बार दर्शकों को यह महसूस हो सकता है कि मिल्खा का दर्द जरूरत से ज़्यादा दिखाया जा रहा है तो पर पर प्रशांत सिसोदिया ने फिल्म को थ्री पॉइंट फाइव स्टार की रीडिंग देने हुए लिखा है कहाँ कहीं कहीं यह जरूर लिखा कि कुछ सीन खत्म हो क्यों नहीं हो रहे हैं लेकिन वैसे एक ऐसे सीन्स भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे तो इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों आपने सही सुना इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं यह है मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है तो इस प्रकार भी इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को इस प्रकार भी आप एंजॉय कर कर सकते हो यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह तीन घंटे के करीब इस मूवी की टाइम लेंथ है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी की टाइम लेंथ लें तीन घंटे के करीब है तो यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों में आपको बता दूँ यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी इन्जॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी इंजॉय कर सकते हो तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हॉट स्टार के बाद यह मूवी आपको टे टेलीविज़न के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है तो आप इस मूवी को टेलीग्राम के चैनल पर भी एन्जॉय कर सकते हैं तो मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले भाग मिलकर भाग मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए धमाकेदार रूप भी दिया है तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ग्यारह जुलाई दो को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी भाग मिलका भाग इस मूवी को डायरेक्ट किया राकेश सोम प्रकाश मेहरा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया है और दोस्तों 88 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ आपने सही सुना 88 एट परसेंट इस गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और 75 फाइव परसेंट ब्रोटोन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 75 फाइव परसेंट रू रोटोन की तरफ से फ्रेश बताया गया है बात करें इस मूवी का आई एम डी बी की तो दस में से एट पॉइंट टू की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ आपने सही सुना दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो फरहान अख्तर जपतेश सिंह सोनम कपूर योगराज सिंह दिव्या दत्ता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं दोस्तों इस मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आपने सही सुना तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो भाग मिलका भाग धावक मिल्खा सिंह के जीवन पर बनी फिल्म 2013 की बॉलीवुड हिंदी फिल्म है जि, जिसका निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने किया है अप्रैल 2014 में इकसठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इस फिल्म को सर्वेष्ठ मनोरंजन फिल्म का पुरस्कार मिला है इसके अतिरिक्त सर्वेष्ठ कोरियोग्राफी के साथ भी इस मूवी को पुरस्कार किया गया है मिल्का सिंह फरहान अख्तर का बचपन दर्द और वेदान से भरा रहा वर्ष उन्नीस सौ में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान मिल्का सिंह के माता पिता की हत्या हो जाती है मिल्का अपनी विवाहित भाई दिव्य दत्ता के साथ रहने लगते हैं लेकिन छोटे से मिल्का से ये नहीं देखा जाता कि उसकी बहन का प्रति उसे प्रतीड़ित करना है एक दिन ऐसा आता है जब मिल्का को अपने उसका जीजा घर से बाहर निकाल देता है मिल्का बड़े होकर होने के बाद भारतीय सेवा में भर्ती हो जाते हैं जल्दी वह सेना में एक धावक के रूप में मशहूर भी हो जाते हैं लक्ष्य को पाने के लिए मिलकर रात दिन एक कर देता और इस प्रकार फिल्म मिलका सिंह का आधार आधार मानते हुए आगे बढ़ती है फिल्म भाग मिलका भाग के इस फिल्म समीक्षा के अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं बीबीसी हिंदी का फिल्म समीक्षा कोमल हटर ने फिल्म को पाँच में से फोर स्टार दिए हुए दिया है फिल्म की कहानी के लिए लेखक परसुन जोशी ने बहुत अच्छा किया है फिल्म तीन घंटे में मिल्खा सिंह के पूरे जीवन को बेखूबी बड़े दर्द पर उतरती है फिल्म की कहानी लिखने के साथ साथ पटकथा की प्रसन्न ने लिखी है फिल्म में दर्द ड्रामा हास्य, खुशी गम हार जीत और प्यार सभी तरह के भाव है लेकिन फिल्म में कई बार दर्शकों को यह महसूस हो सकता है कि मिल्खा का दर्द जरूरत से ज़्यादा दिखाया जा रहा है तो पर पर प्रशांत सिसोदिया ने फिल्म को थ्री पॉइंट फाइव स्टार की रेडिंग देने हुए लिखा है कहाँ कहीं कहीं यह जरूर लिखा कि कुछ सीन खत्म हो क्यों नहीं हो रहे लेकिन वैसे एक ऐसे सीन्स भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे तो इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों आपने सही सुना इस प्रकार इस मूवी को आप इंजॉय कर सकते हैं यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है तो इस प्रकार भी इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को इस प्रकार भी आप एंजॉय कर कर सकते हो यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह तीन घंटे के करीब इस मूवी की टाइम लेंथ है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस, इस मूवी की टाइम लेंथ तीन घंटे के करीब है तो यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों मैं आपको बता दू यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हॉट स्टार के बाद यह मूवी आपको टे, टेलीविज़न के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है तो आप इस मूवी को टेलीग्राम के चैनल पर भी एन्जॉय कर सकते हैं तो मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भाग मिलकर भाग मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए धमाकेदार रूप भी दिया है तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ग्यारह जुलाई दो को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी भाग मिलका भाग इस मूवी को डायरेक्ट किया राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया है और दोस्तों 88 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ आपने सही सुना 88 परसेंट इस गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और 75 फाइव परसेंट रोटोन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को सेवेंटी फाइव परसेंट रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है बात करें इस मूवी के आईएमडीबी रेटिंग की तो दस में से एट पॉइंट टू की दमदार रेडिंग मिली हुई है हाँ आपने सही सुना दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो फरहान अख्तर जपतेश सिंह सोनम कपूर योगराज सिंह दिव्या दत्ता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं दोस्तों इस मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आपने सही सुना तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो भाग मिलका भाग धावक मिलका सिंह के जीवन पर बनी फिल्म 2013 की बॉलीवुड हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने किया है अप्रैल 2014 में इकसठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इस फिल्म को सर्वेष्ठ मनोरंजन फिल्म का पुरस्कार मिला है इसके अतिरिक्त सर्वेष्ठ कोरियोग्राफी के साथ भी इस मूवी को पुरस्कार किया गया है मिल्का सिंह फरहान अख्तर का बचपन दर्द और वेदान से भरा रहा वर्ष उन्नीस सौ में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान मिल्का सिंह के माता पिता की हत्या हो जाती है मिल्का अपनी विवाहित भाई दिव्या दत्ता के साथ रहने लगते हैं लेकिन छोटे से मिल्का से ये नहीं देखा जाता कि उसकी बहन का प्रति उसे प्रतीड़ित करना है एक दिन ऐसा आता है जब मिल्का को अपने उसका जीजा घर से बाहर निकाल देता है मिल्का बड़े होकर होने के बाद भारतीय सेवा में भर्ती हो जाते हैं जल्दी वह सेना में एक धावक के रूप में मशहूर भी हो जाते हैं लक्ष्य को पाने के लिए मिलकर रात दिन एक कर देता और इस प्रकार फिल्म मिलका सिंह का आधार आधार मानते हुए आगे बढ़ती है फिल्म भाग मिलका भाग के इस फिल्म समीक्षाओं के अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं बीबीसी हिंदी का फिल्म समीक्षा कोमल हटर ने फिल्म को पाँच में से फोर स्टार दिए हुए दिया है फिल्म की कहानी के लिए लेखक परसुन जोशी ने बहुत अच्छा किया है फिल्म तीन घंटे में मिल्खा सिंह के पूरे जीवन को बेखूबी बड़े दर्द पर उतरती है फिल्म की कहानी लिखने के साथ साथ पटकथा की प्रसन्न ने लिखी है फिल्म में दर्द ड्रामा हास्य, खुशी गम हार जीत और प्यार सभी तरह के भाव है लेकिन फिल्म में कई बार दर्शकों को यह महसूस हो सकता है कि मिल्खा का दर्द जरूरत से ज़्यादा दिखाया जा रहा है तो पर पर प्रशांत सिसोदिया ने फिल्म को थ्री पॉइंट फाइव स्टार की रेडिंग देने हुए लिखा है कहां कहीं कहीं यह जरूर लिखा कि कुछ सीन खत्म हो क्यों नहीं हो रहे लेकिन वैसे एक ऐसे सीन्स भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे तो इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों आपने सही सुना इस प्रकार इस मूवी को आप इंजॉय कर सकते हैं यह है मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है तो इस प्रकार भी इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को इस प्रकार भी आप एंजॉय कर कर सकते हो यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह तीन घंटे के करीब इस मूवी की टाइम लेंथ है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी की टाइम लेंथ तीन घंटे के करीब है तो यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों मैं आपको बता दू यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हॉट स्टार के बाद यह मूवी आपको टे, टेलीविज़न के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है तो आप इस मूवी को टेलीग्राम के चैनल पर भी एन्जॉय कर सकते हैं तो मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले भाग मिलकर भाग मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए धमाकेदार रूप भी दिया है तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ग्यारह जुलाई दो को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी भाग मिलका भाग इस मूवी को डायरेक्ट किया राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया है और दोस्तों 88 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ आपने सही सुना 88 परसेंट इस गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और 75 फाइव परसेंट प्रोटोन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 75% फाइव रोटो रोटोटमेटो की तरफ से फ्रेश बताए गए हैं बात करें इस मूवी का आईएमडीबी एम डी की तो 10 में से 8.2 की दमदार रेटिंग मिली हुई है हाँ आपने सही सुना दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो फरहान अख्तर जपतेज सिंह सोनम कपूर योगराज सिंह दिव्या दत्ता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं दोस्तों इस मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आपने सही सुना तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो भाग मिलका भाग धावक मिल्का सिंह के जीवन पर बनी फिल्म 2013 की बॉलीवुड हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने किया है अप्रैल 2014 में इकसठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इस फिल्म को सर्वेष्ठ मनोरंजन फिल्म का पुरस्कार मिला है इसके अतिरिक्त सर्वेष्ठ कोरियोग्राफी के साथ भी इस पूरी को पुरस्कार किया गया है मिल्खा सिंह फरहान अख्तर का बचपन दर्द और वेदान से भरा रहा वर्ष उन्नीस में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान मिल्का सिंह के माता पिता की हत्या हो जाती है मिल्का अपनी विवाहित भाई दिव्या दत्ता के साथ रहने लगते हैं लेकिन छोटे से मिल्का से ये नहीं देखा जाता कि उसकी बहन का प्रति उसे प्रतीड़ित करना है एक दिन ऐसा आता है जब मिल्का को अपना उसका जीजा घर से बाहर निकाल देता है मिल्का बड़े होकर होने के बाद भारतीय सेवा में भर्ती हो जाते हैं जल्दी वह सेना में एक धावक के रूप में मशहूर भी हो जाते हैं लक्ष्य को पाने के लिए मिलकर रात दिन एक कर देता और इस प्रकार फिल्म मिलका सिंह का आधार आधार मानते हुए आगे बढ़ती है फिल्म भाग मिलका भाग के इस फिल्म समीक्षा के अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं बीबीसी हिंदी का फिल्म समीक्षा कोमल हटर ने फिल्म को पाँच में से फोर स्टार दिए हुए दिया है फिल्म की कहानी के लिए लेखक परसुन जोशी ने बहुत अच्छा किया है फिल्म तीन घंटे में मिल्खा सिंह के पूरे जीवन को बेखूबी बड़े दर्द पर उतरती है फिल्म की कहानी लिखने के साथ साथ पटकथा की प्रसन्न ने लिखी है फिल्म में दर्द ड्रामा हास्य, खुशी गम हार जीत और प्यार सभी तरह के भाव है लेकिन फिल्म में कई बार दर्शकों को यह महसूस हो सकता है कि मिल्खा का दर्द जरूरत से ज़्यादा दिखाया जा रहा है तो पर पर प्रशांत सिसोदिया ने फिल्म को थ्री पॉइंट फाइव स्टार की रीडिंग देने हुए लिखा है कहां कहीं कहीं यह जरूर लिखा कि कुछ सीन खत्म हो क्यों नहीं हो रहे लेकिन वैसे एक ऐसे सीन्स भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे तो इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों आपने सही सुना इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं यह है, मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है तो इस प्रकार भी इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को इस प्रकार भी आप एंजॉय कर कर सकते हो यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह तीन घंटे के करीब इस मूवी की टाइम लेंथ है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी की टाइम लेंथ तीन घंटे के करीब है तो यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों मैं आपको बता दू यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो हाँ <स्वक> दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हॉट स्टार के बाद यह मूवी आपको टे, टेलीविज़न के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है तो आप इस मूवी को टेलीग्राम के चैनल पर भी एन्जॉय कर सकते हैं तो मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले भाग मिलकर भाग मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए धमाकेदार रूप भी दिया है तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ग्यारह जुलाई दो को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी भाग मिलका भाग इस मूवी को डायरेक्ट किया राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया है और दोस्तों 88 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ आपने सही सुना 88 परसेंट इस गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और 75 फाइव परसेंट ग्रोटोन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 75% फाइव रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है बात करें इस मूवी का आईएमडीबी एम डी की तो 10 में से 8.2 की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ आपने सही सुना दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो फरहान अख्तर जपतेज सिंह सोनम कपूर योगराज सिंह दिव्या दत्ता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं दोस्तों इस मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आपने सही सुना तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो भाग मिल्का भाग धावक मिल्खा सिंह के जीवन पर बनी फिल्म 2013 की बॉलीवुड हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने किया है अप्रैल 2014 में इकसठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इस फिल्म को सर्वेष्ठ मनोरंजन फिल्म का पुरस्कार मिला है इसके अतिरिक्त सर्वेष्ठ कोरियोग्राफी के साथ भी इस पूरी को पुरस्कार किया गया है मिल्खा सिंह फरहान अख्तर का बचपन दर्द और वेदान से भरा रहा वर्ष उन्नीस में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान मिल्का सिंह के माता पिता की हत्या हो जाती है मिल्का अपनी विवाहित भाई दिव्या दत्ता के साथ रहने लगते हैं लेकिन छोटे से मिल्का से ये नहीं देखा जाता कि उसकी बहन का प्रति उसे प्रतीड़ित करना है एक दिन ऐसा आता है जब मिल्का को अपना उसका जीजा घर से बाहर निकाल देता है मिल्का बड़े होकर होने के बाद भारतीय सेवा में भर्ती हो जाते हैं जल्दी वह सेना में एक धावक के रूप में मशहूर भी हो जाते हैं लक्ष्य को पाने के लिए मिलकर रात दिन एक कर देता और इस प्रकार फिल्म मिलका सिंह का आधार आधार मानते हुए आगे बढ़ती है फिल्म भाग मिलका भाग के इस फिल्म समीक्षा के अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं बीबीसी हिंदी का फिल्म समीक्षा कोमल हटक ने फिल्म को पाँच में से फोर स्टार दिए हुए दिया है फिल्म की कहानी के लिए लेखक परसुन जोशी ने बहुत अच्छा किया है फिल्म तीन घंटे में मिल्खा सिंह के पूरे जीवन को बेखूबी बड़े दर्द पर उतरती है फिल्म की कहानी लिखने के साथ साथ पटकथा की प्रसुन्न ने लिखी है फिल्म में दर्द ड्रामा हास्य, खुशी गम हार जीत और प्यार सभी तरह के भाव है लेकिन फिल्म में कई बार दर्शकों को यह महसूस हो सकता है कि मिल्खा का दर्द जरूरत से ज़्यादा दिखाया जा रहा है तो पर पर प्रशांत सिसोदिया ने फिल्म को थ्री पॉइंट फाइव स्टार की रीडिंग देने हुए लिखा है कहाँ कहा, कहीं हाँ, कहीं हाँ, यह जरूर लिखा कि कुछ सीन खत्म हो क्यों नहीं हो रहे लेकिन वैसे एक ऐसे सीन्स भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे तो इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों आपने सही सुना इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं यह है मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है तो इस प्रकार भी इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को इस प्रकार भी आप एंजॉय कर कर सकते हो यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह तीन घंटे के करीब इस मूवी की टाइम लेंथ है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी की टाइम लेंथ तीन घंटे के करीब है तो यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों मैं आपको बता दू यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हॉट स्टार के बाद यह मूवी आपको टे, टेलीविजन के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है तो आप इस मूवी को टेलीग्राम के चैनल पर भी एन्जॉय कर सकते हैं तो मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले भाग मिलकर भाग मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए धमाकेदार रूप भी दिया है तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ग्यारह जुलाई दो को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी भाग मिलका भाग इस मूवी को डायरेक्ट किया राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया है और दोस्तों 88 एट परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ आपने सही सुना 88 एट परसेंट इस गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है और 75 फाइव परसेंट ब्रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 75 फाइव परसेंट ब्रोटोन टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है बात करें इस मूवी के आई एम की तो दस में से एट की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ आपने सही सुना दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो फरहान अख्तर जगतेज सिंह सोनम कपूर योगराज सिंह दिव्या दत्ता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं दोस्तों इस मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आपने सही सुना तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो भाग मिलका भाग धावक मिलका सिंह के जीवन पर बनी फिल्म 2013 की बॉलीवुड हिंदी फिल्म है जि, जिसका निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने किया है अप्रैल 2014 में इकसठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इस फिल्म को सर्वेष्ठ मनोरंजन फिल्म का पुरस्कार मिला है इसके अतिरिक्त सर्वेष्ठ कोरियोग्राफी के साथ भी इस मूवी को पुरस्कार किया गया है मिल्का सिंह फरहान अख्तर का बचपन दर्द और वेदान से भरा रहा वर्ष उन्नीस सौ में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान मिल्का सिंह के माता पिता की हत्या हो जाती है मिल्का अपनी विवाहित भाई दिव्या दत्ता के साथ रहने लगते हैं लेकिन छोटे से मिल्का से ये नहीं देखा जाता कि उसकी बहन का प्रति उसे प्रतीड़ित करना है एक दिन ऐसा आता है जब मिल्का को अपना उसका जीजा घर से बाहर निकाल देता है मिल्का बड़े होकर होने के बाद भारतीय सेवा में भर्ती हो जाते हैं जल्दी वह सेना में एक धावक के रूप में मशहूर भी हो जाते हैं लक्ष्य को पाने के लिए मिलकर रात दिन एक कर देता और इस प्रकार फिल्म मिलका सिंह का आधार आधार मानते हुए आगे बढ़ती है फिल्म भाग मिलका भाग के इस फिल्म समीक्षा के अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं बीबीसी हिंदी का फिल्म समीक्षा कोमल हटक ने फिल्म को पाँच में से फोर स्टार दिए हुए दिया है फिल्म की कहानी के लिए लेखक परसुन जोशी ने बहुत अच्छा किया है फिल्म तीन घंटे में मिल्खा सिंह के पूरे जीवन को बेखूबी बड़े दर्द पर उतरती है फिल्म की कहानी लिखने के साथ साथ पटकथा की प्रसुन्न ने लिखी है फिल्म में दर्द ड्रामा हास्य, खुशी गम हार जीत और प्यार सभी तरह के भाव है लेकिन फिल्म में कई बार दर्शकों को यह महसूस हो सकता है कि मिल्खा का दर्द जरूरत से ज़्यादा दिखाया जा रहा है तो पर पर प्रशांत सिसोदिया ने फिल्म को थ्री पॉइंट फाइव स्टार की रेडिंग देने हुए लिखा है कहाँ कहा, कहीं हाँ, कहीं हाँ, यह जरूर लिखा कि कुछ सीन खत्म हो क्यों नहीं हो रहे लेकिन वैसे एक ऐसे सीन्स भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे तो इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों आपने सही सुना इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं यह है मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है तो इस प्रकार भी इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को इस प्रकार भी आप एंजॉय कर कर सकते हो यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह तीन घंटे के करीब इस मूवी की टाइम लेंथ है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी की टाइम लेंथ तीन घंटे के करीब है तो यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों मैं आपको बता दी है मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हॉट स्टार के बाद यह मूवी आपको टे, टेलीविजन के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है तो आप इस मूवी को टेलीग्राम के चैनल पर भी एन्जॉय कर सकते हैं तो मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भाग मिलकर भाग मूवी के बारे में तो ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और साथ ही साथ मैंने इस मूवी से जुड़े कुछ शानदार फैक्ट बताए धमाकेदार रूप भी दिया है तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है 11 जुलाई 2013 को रिलीज हुई एक्शन स्पोर्ट मूवी भाग मिलका भाग इस मूवी को डायरेक्ट किया राकेश सोम प्रकाश मेहरा ने हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया है और दोस्तों 88 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ आपने सही सुना 88 एट परसेंट इस गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को फ़्रेश बताया गया है और 75 फाइव परसेंट रोटोन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को 75 फाइव परसेंट ब्रोटोन टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है बात करें इस मूवी के आई एम की तो दस में से एट की दमदार रीडिंग मिली हुई है हाँ आपने सही सुना दोस्तों बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो फरहान अख्तर जगतेश सिंह सोनम कपूर योगराज सिंह दिव्या दत्ता आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं दोस्तों इस मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आपने सही सुना तो इस प्रकार इस मूवी को एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बात करें इस मूवी की कहानी की तो भाग मिलका भाग धावक मिलका सिंह के जीवन पर बनी फिल्म 2013 की बॉलीवुड हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने किया है अप्रैल 2014 में इकसठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इस फिल्म को सर्वेष्ठ मनोरंजन फिल्म का पुरस्कार मिला है इसके अतिरिक्त सर्वेष्ठ कोरियोग्राफी के साथ भी इस मूवी को पुरस्कार किया गया है मिल्का सिंह फरहान अख्तर का बचपन दर्द और वेदान से भरा रहा वर्ष उन्नीस सौ में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान मिल्का सिंह के माता पिता की हत्या हो जाती है मिल्का अपनी विवाहित भाई दिव्या दत्ता के साथ रहने लगते हैं लेकिन छोटे से मिल्का से ये नहीं देखा जाता कि उसकी बहन का प्रति उसे प्रतीड़ित करना है एक दिन ऐसा आता है जब मिल्का को अपना उसका जीजा घर से बाहर निकाल देता है मिल्का बड़े होकर होने के बाद भारतीय सेवा में भर्ती हो जाते हैं जल्दी वह सेना में एक धावक के रूप में मशहूर भी हो जाते हैं लक्ष्य को पाने के लिए मिलकर रात दिन एक कर देता और इस प्रकार फिल्म मिल्का सिंह का आधार आधार मानते हुए आगे बढ़ती है फिल्म भाग मिल्का भाग के इस फिल्म समीक्षा के अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं बीबीसी हिंदी का फिल्म समीक्षा कोमल हटक ने फिल्म को पाँच में से फोर स्टार दिए हुए दिया है फिल्म की कहानी के लिए लेखक प्रसुन जोशी ने बहुत अच्छा किया है फिल्म तीन घंटे में मिल्खा सिंह के पूरे जीवन को बेखूबी बड़े दर्द पर उतरती है फिल्म की कहानी लिखने के साथ साथ पटकथा की प्रसन्न ने लिखी है फिल्म में दर्द ड्रामा हास्य, खुशी गम हार जीत और प्यार सभी तरह के भाव है लेकिन फिल्म में कई बार दर्शकों को यह महसूस हो सकता है कि मिल्खा का दर्द जरूरत से ज़्यादा दिखाया जा रहा है तो पर पर प्रशांत सिसोदिया ने फिल्म को थ्री पॉइंट फाइव स्टार की रेडिंग देने हुए लिखा है कहाँ कहीं कहीं यह जरूर लिखा कि कुछ सीन खत्म हो क्यों नहीं हो रहे लेकिन वैसे एक ऐसे सीन्स भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे तो इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों आपने सही सुना इस प्रकार इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं यह है, मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस यह मूवी आपको आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर देखने को मिलती रहती है तो इस प्रकार भी इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी को इस प्रकार भी आप एंजॉय कर कर सकते हो यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आपको टेलीग्राम के चैनल पर भी देखने को मिल चुकी होगी बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो यह तीन घंटे के करीब इस मूवी की टाइम लेंथ है हाँ दोस्तों आपने सही सुना इस मूवी की टाइम लेंथ तीन घंटे के करीब है तो यह मूवी आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो हाँ दोस्तों आपने सही सुना यह मूवी आप हॉट स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो तो इस प्रकार इस मूवी को आप एक बार तो एंजॉय करना ही चाहिए हॉट स्टार के बाद यह मूवी आपको टे, टेलीविजन के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है तो आप इस मूवी को टेलीग्राम के चैनल पर भी एंजॉय कर सकते हैं तो मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय जय हिंद